ஹரே கிருஷ்ணா. பரமங்கல ஸ்ரீமத் பாகவத் மகாபுராண் பரமஹம்ச சங்கீதா வைஷ்ணவ் சந்த கே பரம தனு ஸ்ரீமத் பாகவத் கலியுக் கே விந்தித் பிதாம்பரதாரி ஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணலால் கே வாக்மய பிரதிமூர்த்தி ஸ்ரீமத் பாகவத் ஆனந்தகந்த விருந்தாவன் சந்திர கே சரண யுகலோ கே தியான் கரத்தே ஹுயே பரம ரசிக் சந்த் ஸ்ரீ சுக்தேவ் ஜி மஹாராஜ் ரஜா பரிஷத் கோ प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन कर रहे हैं। गतकाल सायंकाल में आपने श्रवण किया नंद का आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आज कोई नहीं कह रहे हैं कि नंद के लड़का हुआ आनंद साक्षात आनंद स्वरूप अखिल ब्रह्मांड नायक अखिल प्रातपार भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं। साक्षात जो आनंद के स्वरूप है सच्चिदानंद रूपाय विश्वदुत्पत्तादि हेतवे तापत्र विनाश है श्री कृष्ण वयम नमो। तो शतगुण चितगुण आनंद गुण का स्वरूप साक्षात आज नंद का आत्मस्क रूप में प्रकट भयो है। वैसे लिखते हैं नंदस्ते आत्मुत्पन्न यातल्लाद महामना आह्य विप्राण वेद ज्ञान निष्कात सूचीर अलंकृतम। नंदस्ते आत्मुत्पन्न यातल्लाद महामना आह्य विप्राण वेद ज्ञान निष्कात सूचीर अलंकृतम। वाचयित्वा सस्त्रयम् जातकर्मास्त्वाजयस्य वैकारायमाश विधिवत पितृदेवार्चनम यथा देनुनाम निजते प्रादत् विप्रभोषमलंकृते तिलाद्रिं सप्त रत्नै अभातकौस्तुकम्बं वराभितम्। नंद बाबा आज अति प्रसन्न है, प्रसन्नता से समान ही आ रहे हैं। नंद बाबा आज चारों दरवाजा नंद गांव की अपनी महल की चारों दरवाजा खोल दिया है। चारों में से जो कोई जहां आते हैं वहां से वो अपनी मनचाह वस्तु प्राप्त करते हैं। एक में स्वर्णों की वितरण हो रहा है, एक में चांदी की वितरण हो रहा है, एक में भूमि वितरण हो रहा है और एक में द्रव्यादि वितरण हो रहा है। जिसको जो चाहिए वो प्राप्त हो रहे हैं। कोई कोई लोग बात तो एक बार जाकर के घर में रख के फिर आ जाते और खेल ले जाते और नंद बाबा माना नहीं करते हैं, ले जाओ और ले जाते। कर्म संपन्न किया, खाना का पूजन आदि संपन्न किया, बड़े बड़े तीन बड़े बड़े शब्द तिल का पहाड़ को दान किया। इस प्रकार से नंद बाबा आज अपने आलय को नंदालय को नंदालयम से बलया ब्रज विधि विचुक्षितम बेलोक कुंडला पायो अधरा सुशेष। सभी लोग अपनी अपनी योग्यता सामर्थ्य के अनुसार नंद बाबा को और नंद बाबा के बालक को आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद क्या दे रहे हैं? ताशीष प्रंजुना चिरं पाहि बालके हरिद्राचूर्ण तैलाद्री चिंतयंत जगमुग्मो। ताशीष प्रजुज अंचिरं पाहि बालके आशीर्वाद दे रहा है, ये बालक हमारी रक्षा करे। बालक की जन्म हुआ तो बालक को आशीर्वाद देना चाहिए, उनको से उल्टा होगा कि बालक हमारे प्राजित जो आचिरम पाही बालक के आशीर्वाद दे रहे हैं। ये दे नहीं रहा है, ये हो रहा है। कृष्ण कथा हरि कथा कोई देते नहीं है,
ये होता है। भगवान जिसके माध्यम से जैसे बुलवाना चाहते वो वैसे बोलते हैं। ब्रजवासी आज भूल के नहीं, ये बालक हमारा रक्षा करे पाही। इस प्रकार से नंद के घर में आनंद ही आनंद, कितने आनंद है, 4 महीने तक आनंद चला है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इतने आनंद के सीमा नहीं। नंद बाबा सभी को प्रसन्न कर रहे हैं, चरित्र नृत्य गीत हो रहे हैं। 4 महीने तक ब्रजवासी अपने घर को भूल गए, वही खाना वही पीना वही नचना वही गाना। अब होली के मौसम में कभी बरसाना जाए देखे तो थोड़ा देखने को मिलता है। ओ राधा जी के आंगन में इतनी लोग कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, वही दिन ही आ जाते हैं ब्रजवासियों का कृष्ण जन्म को। तो वर्णन किया है कैसे, आज बर्फी गोपी सी बज नार बने। गपी से गपी लोग कैसे बन गए, बर्फी बन गए, यानी कि उनकी व्यवहार वाणी मिठास में भर गए। वैसे ब्रजवासी तो बहुत कौड़ी बोलते हैं, जरा से भी गलती करेंगे तो पूजा ही करा देंगे तुम्हारी। पूजा करना, पूजा का मतलब आरती पूजा नहीं है, समय मिले तो एकांत में की पिटाई करा देंगे आपका, तो उनकी पूजा है। कुछ लोग भैया आप बोल रहे हैं सत्य वचन कहता हूं। पर ये गोपी आज इतनी प्रसन्न हो गए नंद बाबा का पुत्र को देख करके। आज गोपी बर्फी सी ब्रजनार बनी, और गुजिया से गीत और गुजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस चिर सी रोहिणी रबर साला, कि नंद मही बने नमकीन। नंद मही नंद बाबा क्या बने, नंद बाबा बने नमकीन, और गोकुल गोर सब गरम मसाला। जय हो, गरम मसाला, सब्जी में और गरम मसाला ना हो तो क्या चलेगा, तो पक्का विशाल की तरह पक्का है। नंद मही बने नमकीन और गोकुल बने गरम मसाला, और जायो जसोदा, जसोदा के बारे में, जायो जसोदा जिलेबी सी रानी में, और रावड़ी सी रात में लड़ुआ को लाला, कि पुद सुपुद जने हो जसोदा, इतने सुन के वसुदा सब दौड़ी, देवल के आनंद भयो, उन्हें धावत गावत सब मंगल गौरी। नंद कुछ इतनो जो दियो, नंद कुछ इतने जो दियो, घनश्याम कुबेर रहो की मद गौरी। कुबेर की खजाना फेल हो गया, क्यों बताता हूं, कुबेर की खजाना भूल हो गया। देखो तुम वही लुटाई दियो, ना बची बचिया चाहिए ना खेरी, किसी को रोका नहीं टोका नहीं, जिसको जितना चाहिए। और नंद पर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद में ऊपर हो गए। क्यों, इसलिए कि रमा किरण गोलिपम, जिनके घर में सक्षा लक्ष्मी का पादुर्भाव है, रिद्धि सिद्धि के वास है, तो उन नंद बाबा के घर में कुछ दान की कमी हो सकता है। दान देने से कम नहीं हो रहा, स्वर्ण दे रहा है तो हम देते तो कमजोर हो जाता है, और लक्ष्मी जहां बैठे हैं कम का हुआ, दान दे कम नहीं हो रहा है, जीरा से पूरा खजाना भरा है। रब सोना जमीन खाद्य वस्तु जिसको जो चाहिए, गवादी पशु वादी जो चाहिए सब दे रहे हैं। क्यों, रमा किरम गोनीपति, आज साक्षात रमा माने लक्ष्मी देवी अपनी पति की स्वागत के लिए स्वयं ब्रज में नंद बाबा की घर में आकर के लोटपोट खा रहे हैं, पति की स्वागत कर रहे हैं, और नारायण की स्वागत कर रहे हैं, और विष्णु की स्वागत कर रहे हैं, और कृष्ण की स्वागत कर रहे हैं। जयति तेदिकम जन्मना ब्रजम सयति इंदिरा सस्य यत्रे दैत दीक्षताम दीक्षतावका कैदितव संताम विचिन्यते। ते जन्मना
ब्रजवासी कहते हैं प्रभु जब से आपके जन्म ब्रज में हुए हैं अधिकम जायत, इस ब्रज के अधिक जय जयकार हुआ और सब रिद्धि सिद्धि के कारण समस्त लोगों का अलंकितम हो गए भर गए। जब सप्तम जिन की कथा सुने आपने भगवान श्री कृष्ण उस दुर्गा माता को बुला करके कहा गच्छ दिव्य ब्रजम भद्रे गोप गोपीर अलंकृतम, घर में जाकर के सबको भर दीजिए। वो तो देवी माता था और ये साक्षात लक्ष्मी आके वो भी भर दिए। इस प्रकार से महाराज क्या बताओ, इतने आनंद हो रहे तो आनंद की सीमा नहीं। हमें तो आपको थोड़ी सुना रहे हैं पर चार महीने की कथा है। हर ब्रज के घर में कवित्व है, अपनी जो जो जिसके पास जो कविता है वो लिख करके सुनाने लगते हैं वहां, और ये नहीं वहां पे खड़े होते हुए कविता बन जाते। ऐसे सुनाई ऐसे बजवा से सुना मैंने। बजत बनाई धुन छाई तीन लोकों में, बजत बधाई धुन छाई तीन लोकों में, आनंद मेहर के नाचत सुर ताल की, लाला को जन्म सुन देवन आनंद भयो, दुंद भी बजे पुष्प बरसा रसाल की, फूले सब गोपी गोप आनंद उमंग में, गोपन नवेली सुध भोली आज काल की, ब्रज में ब्रज चंद भयो जसदा वर छंद भयो, नंद गुर आनंद भयो। जय कन्हैया, जय कन्हैया, और बोलो जय कन्हैया। एक एक बधाई गीत करके आगे चलते। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दोनों बधाई से ताली से बात करते हुए बधाई हो देखो, बधाई गाना भी होता है और बधाई लेना भी होता है और बधाई आशीर्वाद के रूप में प्राप्त करना होता है। बधाई हो टीका भी लूंगी मैया नथनी भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया नथनी भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया नथनी भी लूंगी, नथनी भी लूंगी मैया नथनी भी लूंगी, नथनी भी लूंगी मैया नथनी भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया नथनी भी लूंगी, माला की लूंगी माला की लूंगी चढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। नंद की लाला की जय हो, हाथ करते हुए साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी,
साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी लहंगा भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी लड़की लूंगी उड़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जगम सुनाई लाला जनम सुनाई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जनम चार महीने से कोई कहते छह महीने से बड़े आनंद हुआ परंतु कितना भी आनंद की दिन हो एक दिन ना एक दिन उसका परिसमाप्ति होते हैं। नंद बाबा को याद हुआ कि मैं लला की जन्म के कारण में तो मथुरा जाना भूल गए कंस को कर देना भी भूल गए तो ब्रज की बड़े बड़ों को नंदगांव की भार दे करके आज नंद बाबा जा रहे हैं उस प्रकार से मथुरा जा रहे हैं। गोपान गोकुल रक्षायाम गोपान गोकुल रक्षायाम निरप्यम मथुरा गतम नंद कंसस्य वार्षिकम करम दातुम कुरुद्धु। नंद बाबा कर देने के लिए जब गए कर चुकाया और फिर कारागार में गए अपने मित्र वसुदेव जी को मिलने गए और वसुदेव जी को मिले वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए नंद बाबा भी प्रसन्न हुए पर नंद बाबा ने कहा कि देखो मित्र विधाता पुरुष ने हमसे जो किया तो किया पर तुम्हारे से अच्छा नहीं किया है बहुत बुरो किया है। अरे क्यों भाई ऐसा क्या किया तो अहोति देवो के पुत्र आहोति देव के पुत्र कंसेन भावो हता एका विशिष्ट वरज कन्या साभि दिव्यम गता। एक एक करके देवकी का छह पुत्र हुआ और सतमा नष्ट हुआ गर्भपात हुआ और अष्टम जो है वह साभि दिव्यम गता कन्या बन के आकाश में उड़ गई। यानी कि नंद बाबा को कुछ भी मालूम नहीं है कि उनके घर में वसुदेव जी स्वयं जा करके छोरा को रख करके देवी माता को लेके आए। अंदर ही अंदर वसुदेव जी हंसने लगे तो देखो हमारे ब्रजवासी मित्र को इनको कोई मालूम नहीं चला है पर वसुदेव जी को मालूम है कि ये छोड़ के आए हैं अपने स्थान को यहाँ अधिक समय रहेंगे तो कोई ना कोई विपत्ति आ सकते हैं क्योंकि कंस जो है वो छोड़ने वालों नहीं है जानते हैं। और वो कहा कि भैया हमें जो कुछ हो गया हो गया मेरा बालक तेरा बालक तेरा बालक मेरा बालक ऐसा सोच लिया हमने। नंद बाबा ने कहा कि भैया सब तो तुम्हारी हो। दोनों मित्रों ने आपस में बात किया और चले गए। इधर रात्रि में
कंस ने मीटिंग बुलाया, क्योंकि दूसरी दिन जब गए वसुदेव जी गए जाकर के अष्टम गर्भ को देखने गए और देखा कि ये स्त्री है, उस स्त्री हुए बालक को कुछ भी उसको पकड़ा, उसको पैर पकड़ करके पटकना जैसे औरों को मारा, पटक करके दीवार पर पटकने के प्रयास किया लेकिन हाथ से फिसल गई और आकाश में जाकर के अष्टभुजा देवी बन गई और अष्टभुजा देवी ने बोलने लगा, किंग मया हतया मंद, किंग मया हतया मंद जात खुलु तवांगितं यत्र कौवा पूर्व शत्रु हिंसी कृपया। अरे मूर्ख तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो यहां से निकल गए। कम से कहने लगे माताजी पिताजी माताजी बताइए कहाँ है, तो देवी माता ने कहा कि तुम ढूंढते रहो। देवी माता भी आज कंसों को वो भगवान की विषय भजन करने के लिए लगा देता है, वही दीवार से क्यों ना हो, ढूंढते रहो यानी कि चिंतन करते रहो किसी भी प्रकार से, राज से देश से भय से किसी भी प्रकार से भगवान का चिंतन करना ही भक्ति है। तन्मयता नीते तन्मयता होना चाहिए। आज देवी माता इस प्रकार से उनको बता करके चले गए। कंस आकर के रातों रात सब सेना को बुलाए, राक्षसों को बुलाए, मंत्रियों को बुलाए, सब बड़े बड़े असुरों को बुला करके मीटिंग किया, आपातकालीन मीटिंग, और कहने लगे कंस ने प्रहित घोरा पतन बाल घातिनी शिशुम शक्कांत निघ्रंति पुरग्राम वदारिषु। कहा कि भैया हमारे मारने वाला यहां से तो निकल गया है, रहा हम क्या करें। तो सब लोग गंभीर से चिंता कर रहे हैं। कई ने कहा कि हम जाकर के ब्रज में कल रात को जितनी बालक जन्मे सबको मार देंगे। कंस ने कहा कि ऐसे मारेंगे तो प्रजा विक्षोभ हो जाएगा, सब मेरा विरुद्ध में आके यहाँ पर धरना दे देंगे, ऐसा ना करो, हमें तो उसको मारना है जिसने जिससे हम मारा जाएंगे, सबको मारना क्यों। तो खेचरी पुतना कंस की बहन, तो वो खे मने आकाश, आकाश में चलने वाले जो पुतना है वो आकर के कहा कि भैया ये काम मेरे को दे दो, मैं ही करवाऊंगा, बड़ी प्रेम से करवाऊंगा। लोग कैसे तुम्हारे ये हालत, काली काली तुम्हारा बुद्धि चियारा है, मूली की तरह दो आंख दांत निकल पड़े, मोटे मोटे आंख है बेटों के देखने में, तुम्हें कौन घुसने देंगे नंद बाबा के घर में, घर में बड़े बड़े चौकीदार देख करके तुमको भगा देंगे। बोले भैया हम ऐसे नहीं छोड़ो जाऊंगो, कैसे जाऊंगो। तो पुतना आज सुंदर रूप धारण किया, ये राक्षसों का एक क्षण में माया भी है ना, एक क्षण में रूप चेंज कर देते हैं, रूप सुंदर देवी जैसे रूप धारण किया और सूर्य जी महाराज को वर्णन किया। ताम केश बंद व्यतिकत मल्लिकम बृहन्नितम मंडलम कृच्छ मध्यमाम सुवासम कंपित कर्ण भूषणम तिलस्वरूप स्वर्ण मंडल मंडितानम। नील वस्त्र धारण किया, सुंदर केश में मल्लिक का सफेद फूल को सुंदर सजाया और भारी भारी चेहरा कमर कृष्ण मध्यमम और बृहद नितंब स्तन बड़े बड़े स्तन वाले ये राक्षसी सुंदर कर्णफूल पहन हुआ हुआ हाथ में फूल लेते हुए सबको मोहित करते हुए आज चतुर्दशी के दिन में गोकुल में प्रवेश कर रहे हैं। प्रेम से बोलो हरे और एक बार बोलो हरे। चतुर्दशी के दिन प्रवेश कर रहे हैं। आज चतुर्दशी के दिन में सब लोग अपनी अपनी छठी के दिन में गाना बजना हो रहा है, चहल पर हो रहा है, खान पीन हो रहा है, सब व्यस्त है, पर ये पुतना सुंदर रूप देख के गए, किसी ने संदेह नहीं कर पाए, जो देखे तो फूल को देखते रह गए, फूल में जादू ऐसा दिखा है, फूल की देख रहा है, उसको कोई नहीं दिख रहा है, कोई संदेह नहीं किया, सीधा बजरानी के पास में जाकर के कहा कि बजरानी तेरा लाला का मुंह दिखा। बजरानी कहा कि देखो इतना बड़ा भीड़ गई तुम कहाँ चली गई। बजरानी भी आज सोचा कि ये कोई बड़े घर की कोई
शकी होगा, मैं भूल गए होंगे। अरे देखो इतना बड़ा भीड़ चले गई हमारे लाला को मुख देखन में, तुम कहाँ चले गए? पुतना बोली मैं तो अपने मायके चले गई थी, अब मायके से आ रही मुख दिखा। एक गोपी समझ करके आज बजरानी जसोदा कान्हा को लेने गए। जब कान्हा के लेने गए तो भगवान झट आंख बंद कर लिया। प्रेम से बोलो, क्योंकि भगवान आज सोचने लगे ये बड़े भागी जीव कौन है, इतनी मुनि ऋषि साधक साधक साधिका सब हमारे जन्म जन्म से तपस्या करने से भी नहीं हो पाता। सन्मुख हुए जीव मोहित जब ही कोटि अब नासही तब ही, करोड़ों जन्मों का पाप जब नष्ट हो जाता है तभी मेरा साक्षात दर्शन होता है। कौन है ये सोचने लगे, लेकिन कोई भी हो ये मेरा मौसी बन के आए, कौन सा मामा है तो उनका भाई ने मौसी जी आए और मुझे मारने के लिए आए, स्तन में कालकुट विष लगा के आए, कुछ भी हो ये बाल हत्यारी है, इसीलिए मैं इनको मुख दर्शन नहीं करूँगा। इसी प्रकार से बंद कर दिया। लेकिन महाराज सोचने लगे भैया ब्रज में मेरा भी लीला शुरू किया ही नहीं, दुधमुखी बालुकू में, और पहले मुझे ये जहर पिलाने का नौबत आ गया, जहर पान करने का नौबत आ गया। आज शंकर भगवान को याद करते कहा कि प्रभु आपका प्रिय वस्तु धुतरा भांग जहर आप ही पियो, हम तो माखन को मिश्री को खावे के लिए आए हैं, हम तो माखन मिश्री खावे को, ये दूध आप पियो और दूध दूध मैं पीऊंगा, जहर जहर आप पी लेना भैया। मन को मनी मन आज शंकर भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। एक आचार्य लिखा कि नहीं भगवान इसलिए आंख बंद कर लिया है, भगवान की आंखों में चंद्र और सूर्यों का वास है, चंद्र और सूर्य में व्यक्ति जब मृत्यु होता है शरीर छोड़ता है इन दिनों के समय में जाते हैं, या तो दिन में मृत्यु होता है ना तो रात को मृत्यु होता है। आज भगवान कहते हैं ये इतनी दुष्ट है बालक को मारने आए, इसीलिए इनका दोनों रास्ता ही जाम, दोनों रास्ता ही बंद कर देता है, कहीं नहीं जा पाए, बंद कर दिया। और एक ने कहा कि नहीं अच्छा नहीं, कहते नहीं अगर मैं आँख खुला रखूं, भगवान सोचते हैं मौसी जी है, कहीं मौसी जी से आंखों आंखों से कहीं प्रीति ना हो जाए। देखो जो आंख जो है ना वो दूसरों को देखते हैं, दूसरों देखते हैं तो प्रीति हो जाता है, तो कहीं मौसी जी से मेरा प्रीति ना हो जाए, और मौसी जी से मेरा प्रेम हो गया तो इसको उद्धार कैसे होगा, आंख बंद कर लिया। पर सुंदर आचार्य वल्लभाचार्य लिखते हैं ये पुतना अविद्या है, और अविद्या का चौदह स्थान है, पांच कर्मेंद्रिय पांच ज्ञानेंद्रिय और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चौदह स्थान में अविद्या रास्ते कहते हैं। भगवान कहते हैं कैसा भी अविद्या हो मेरे सामने नहीं टिक पाएगा, मेरे सामने आते ही वो पर्दा फांस हो जाएगा। इसलिए भगवान आंख बंद करके सोचने गए, इतने में मैया ने लेकर के उनको गोद में डाल दिया, पुतना की गोद में डाल दिया, और मैया को कहा हाँ मैया तू अपने घर के काम कर ले, मैं लला को देखभाल कर रहा हूँ, कोई चिंता मत करो। मैया तो चले गए घर, अब मौका देखा तो इन्होंने सोचा कि क्या करूं, तो भगवान प्रेरित हो करके कन्हैया को लेके घर के बाहर गए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ये पुतना नहीं जा रहा था, उनको तो बीच पलाना था, लेकिन भगवान ने स्वयं सोचा और अंदर ये ऐसे पिला देंगे असली चार में आ जाएंगे, विराट रूप धारण करेंगे तो ये मकान फकान सब तोड़ जाएगा, तो इसीलिए इनको बाहर कर लेते हैं। तो भगवान की प्रेरणा से बाहर गए, चबूतरा के ऊपर बैठे और बैठा करके अपनी स्तन की वस्त्र को हटा करके और अपनी बालकृष्ण लाल के मुंह में स्तन डाल दिया। बालकृष्ण पुतना के स्तन को पकड़े, बालक जैसे माता का स्तन पकड़ते हैं, पकड़ करके दूध पीने लगे। जब दूध पीने लगे तब वो साथ साथ प्राण भी खींचने लगे, पुतना अब चिल्लाने लगे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मैं तो कहीं की क्या हो रहा है, मेरे क्यों तड़पण हो रहा है, चिल्लाने लगे। सामुंचालमिति प्रभाषिणी, सामुंचालमिति प्रभाषिणी, निष्प्रियमानम अखिल दिवर्तमानम विविध क्षेत्रे चरण भुयो मोह रखिन्न गात्राधिपति करोत्तो। ये बालक छोड़ दे
काका मौसी जी छोड़ दो। अरे मौसी जी हम तो किसी को पकड़ू नहीं, भगवान किसी को नहीं पकड़ते हैं। काय कह रहे हैं कि हम किसी मौसी जी पकड़ते नहीं, जो हमको पकड़े हम उसको छोड़ो नहीं। आज तो हम तुमको ठिकाना में लगा के ही छोड़ूंगा मौसी जी। आचार्य लिखते हैं कि सा मुंच 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 मन मुक्ति, दो बार मांगा मुंच मुंच तो भगवान यलोक और परलोक दोनों लोग से मुक्त करा करके निज धाम आश्रितम अपने धाम में जगह दे दिया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। एक बात और है कि उतना एक रोग होता है बालक को बचपन में, दूध पीते पीते बालक को ये बीमारी आ जाता है, भगवान इस रोग को भी दूर किया है। इस प्रकार से उतना बाल कृष्ण का दूध पीते पीते प्राण छोड़ दिया, विराट रूप धारण किया, छह करस लंबी पड़ गई। प्रसाद से गोष्ठ निज रघुमास्तित वज्र हतो मित्र इवा पतम नृप। एक बार वित्रासुर के साल में युद्ध हुआ था इंद्र का, और वित्रासुर मरते मरते इंद्र सेना के ऊपर गिरे। योसुर गिरते गिरते बहुत देवताओं को इस प्रकार से लेके गया, उसी प्रकार वित्रासुर की तरह है आज उतना भी इतनी बड़ी होकर के मरी, छह क्रस तक लंबी। क्या बता रहे हैं, हाथ गिरो हतरस, उत्तरा की उत्तर पूर्व की तरफ हतरस, गरल गिरो आगरा में। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री आगरा तो सब जानते हैं। और मूल गिरो मुल्शान में, अलग गिरी अलीगढ़ में, और कान गिरो कानपुर में। ऐसा पुतना का लंबा सियाड़ा बन गया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बढ़िया, तूफान नहीं आंधी नहीं, सब जने देखा कि ये बालक पुतना के ऊपर पहाड़ के ऊपर मानो बैठा हुआ है, पुतना के छाती के ऊपर बैठे, दोनों छाती पर बैठे, और कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। ब्रजवासी ने सीढ़ी लगा करके बाल गोपाल को नीचे किया, और सब लोग बाल कृष्ण को लेकर के सब गोपियों ने कहा कि देखो यशोदा तुम्हारा ये दाहिनी दकिन का स्पर्श हो गया, इसको शुद्धिकरण होना चाहिए। यशोदा मई ने कहा कि भैया जो कहोगे वही करेंगे। इस सभी को लेकर के आज गौशाला में गए, गौशाला में जाकर के गोमूत्र से स्नान कर रहे हैं। गोमूत्रे निशापयित्वा पुनर्गोरजगोलभृतम् रक्षयाम चक्रदु सत्वितो लघुसोमगेषु नामम् इन्द्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणोऽस्तु शेतदीपोऽसीतं मनो योगेश्वरोऽवतु किरन्तं पातु गोविन्दं शयनं पातु माधव। गोमूत्र से गाय से पूजा हरे पूजा लगा रहे हैं, गौ के चरण धूल से सारा शरीर को मल रहा है, और प्रार्थना कर रहे हैं ये इंद्रियों के स्वामी इसी के आप हमारे बालक का बाल गोपाल का समस्त इंद्रियों को रक्षा करें। प्राणन नारायण वस्तु, ये नारायण भगवान आप कृपा करके हमारे बालक की प्राण रक्षा करें। शेत दिव्याशी भगवान आप हमारे बालक का मन को रक्षा करें। इस प्रकार से किरंतम पादु गोविंदम, जिसमें लाला खेलने जाते हैं वो खेलते हुए अवस्था में हे गोविंद तुम उसको रक्षा करो, और जब सो जाए स्वयं पादु माधव, हे माधव जब सो जाए लाला आप जरूर उसका देखभाल करना। इस प्रकार से सब प्रार्थना करने लगे। इधर ब्रजवासी प्रार्थना करके, ब्रज गोपी ने प्रार्थना करके नंद बाबा की तो घर में नहीं, वो तो गए मथुरा में। सब बाकी लोग मिलके उस विराट पुतना के शरीर में यूं लकड़ी को लगाया, पेड़ जैसा काटा और आग लगा दी, डाला केरोसिन और मर दिए मच्चिस, जलने लगे। और गांव में आज भी केरोसिन मच्चिस दिखता है, लकड़ी मिलता है। ये गैस घुस की जो बात है वो शहर में है, गांव में अभी भी लकड़ी में काम चलता है, लकड़ी के भोजन। लेकिन शहर में सब गैस गैस की भोजन खाते खाते हमारे पेट में होता है गैस हो जाता है। प्रेम से बोलो हरे कृष्ण।
दज्ज मनस्य देहस्य ध्रुवम ओगरु सौरभम। उतना मरी तो सुगंध निकलना है, सुगंध देख करके, सुगंध लेकर करके जब सुगंध देखा तो परीक्षित महाराज ने सुंदर प्रश्न कर दिया, महाराज आदमी मरता है, जी मरते हैं तो दुर्गंध निकालते हैं, हाड़ मांस कपित का शरीर है, ये जलाएंगे तो दुर्गंध निकालते हैं, ये सुगंध कैसे? परीक्षित महाराज के प्रश्न के उत्तर में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जिस समय बोली महाराज के दरबार में बामन देव गए और बामन के रूप देख करके बोली की पुत्री रत्नमाला बड़ी मोहित हो गए, सोचा कि ऐसे बालक हमारे गोद में होता, मैं बड़े प्रेम से उसको गोद में लेकर के दूध पिलाती। बालक बामन निकाल की देवी तथास्तु। बाद में जब देखा त्रिपाल भूमि नहीं दे पाए, पिता को नाग पास में बंधन कर दिया, रत्नमाला ने कहा कि ऐसे बालक हो तो क्या, मैं इसको जहर देकर के मार देती। हंस के बामन ने कहा देवी तथास्तु, दोनों ही वरदान प्राप्त हुआ इनको और वही रत्नमाला आज पुतना बन गया है, पुतना के स्वरूप पुत्र रत्नमाला को भेजें, क्योंकि भाव की परिवर्तन हुआ। भाव की परिवर्तन कभी नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, ये भाव से भक्ति को प्राप्त किया, भगवान को प्राप्त किया, गुरु को प्राप्त किया, मंत्र को प्राप्त किया, आश्रम को प्राप्त किया, उस भाव को कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाव ही भक्ति है, भाव गए तो भक्ति भी चले जाते हैं, बिना भावे नहीं रिजे नंद लाल, भाव छोड़ के कुछ नहीं। एक भाव आप सुनते हैं सुनाते हैं आपको हमेशा मीराबाई का, ये मीराबाई हमेशा ये सोचती थी मेरे तो गिरिधारी गोपाल दूसरों ना कोई, जाके स्वयं मोर मुकुर मेरे पति सही, कोई मेरा पति है इसके सिर पे मोर मुकुट है। मीराबाई के जीवन में हम देखते हैं बड़ी कठिनाई, बड़ी कठिन कष्ट उठाया मेरा भाई ने, पति का मृत्यु हुआ, माता का मृत्यु हुआ, मेरा भाई गिरिधारी को अपन समझ करके भजन करते करते मेवाड़ से वृंदावन आए और यहाँ करके भजन करने लगे। हेरी क्या भजन गा रहे हैं, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा जग न जाने तेरी, मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को, को स्मरण करे मीराबाई का भजन है, मीराबाई का ही है। घायल की गति घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने, कोई घायल हो घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो, एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द बना प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने
तेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो जगत न जानत को भी कोई चीज होती है, मोहब्बत भी कोई चीज होती है, करके तो देखो मेरा भाई जैसा, या तो तर जाओगे ना तो डूब जाओगे। अगर हरीश जी से मोहब्बत किया तो तर जाओगे ना तो डूब जाओगे। सोलियों पर सजे हमारे ऊपर सेज हमारी सोबन किस विधि हो, सोबन किस विधि हो, सोबन किस विधि हो, तेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो जरत न जानत को, तेरी में तो प्रेम दर्द की मारी बन बन दोनों, दर्द की मारी बन बन दोनों, भेद मिला ना को भेद ना मिलिया को, भेद ना मिलिया को, मेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न तो शाम दीवानी मेरो दर्द न जाने को, प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। दो भाव था रत्ना मालक का, दो भाव था उतना बन गए, पर मीराबाई का एक ही भाव रहा, मेरे तो गिरिधरी गोपाल दूसरो ना कोई, जाके से मोर मुकुट मेरे पति सोई, मेरा ने मेवाड़ छोड़ा वृंदावन आए, बाकी बिहारी के नजदीक में छोटी सी स्थान बना करके यहाँ भजन करने लगे, गीत करने लगे, और इस प्रकार से कुछ समय के अंदर समस्त वृंदावन में सब जानकारी प्राप्त किया कि कोई मेरा नाम से कोई भजन कर रही है, और बड़ी भाव से भजन करते जी। भगत स्वामी का वहीं पर दामोदर मंदिर में वास करते थे, जब सुना कोई मीरा आए, और मीरा ने सुना कोई जी भगत स्वामी प्रकांड विद्वान, गोविंद जी के मंदिर में रोजाना जीव जी का श्रीमद भागवत का पाठ होता था, और भगत स्वामी जी भगत स्वामी सब ब्रज के बड़े बड़े आचार्य जी भगत स्वामी का ही भागवत श्रवण करते थे, और साक्षात गोविंद जी का माला प्राप्त होता था आशीर्वाद गुरु में जी भगत स्वामी को, बड़ी पहुंचा हुआ भक्त थे, बड़े बड़े आचार्य के सामने हार मन गए, दक्षिण से कोई आए थे हरे, उत्तर से कोई आए हरे, कश्मीर से सब सब हार गए जी भगत स्वामी। जी भगत स्वामी का नवीन है बल्लभ के पुत्र है जीव, और उन्होंने चमत्कार करा लिया, जब इनके नाम सुना मेरा कोई इच्छा हुआ कि मैं भी जाके दर्शन करूं, तो दर्शन करने के लिए भेजा अपने परिचारिका को, जाओ पूछ के आओ स्वामी जी दर्शन कब दे सकते हैं, कहा कि मेरा नाम से हमारी प्रभु है वो दर्शन करना चाहते हैं आपके, जीव गोस्वामी का आप कब दर्शन देंगे, वो जा करके जीव गोस्वामी का सहपाठी को पूछा, सहयोगी को पूछा, जाके जीव को पूछा, जीव गोस्वामी ने कहा कि मैंने कोई स्त्री को दर्शन नहीं देता हूं, मैंने कोई स्त्री के दर्शन नहीं करता हूं, प्रेम से बोलो
आज भी सत्य है, बड़े बड़े साधक स्त्रियों को देखते नहीं, मुंह घुमा के चलते हैं, देखते ही नहीं। मीरा जब सुने युगस्व ऐसे कहा तो मीरा जी ने सुंदर जवाब दिया उनको, कहा कि मैं तो वृंदावन में एक ही पुरुष समझ करके आई हूं, यहां पर दूसरे पुरुष कौन आ गए? यानी कि कृष्ण ही वृंदावन में एक ही पुरुष है, सब कौन जी कृष्ण है और बाकी जो है सब स्त्री की भाव है। उसमें गाते हैं ना, सेवा अधिकार ये करो मुझे दासी, दासी बन के करना है सेवा। और इस प्रकार से मीरा की बात जब जीवगोस्वामी ने सुना तो समझ गए ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। जीवगोस्वामी ध्यान किया, क्योंकि जीवगोस्वामी भी साधारण नहीं थे, और वो ध्यान किया देखा आते थे चंपक है, चंपक लता है, मीरा बन के आई है। गोलोक में चंपक भगवान के जब मिलना चाहे तो भगवान कहते नहीं हो सकता, वृंदावन में गोलोक में नहीं किसी को मैं मिल सकता हूँ, जब मैं ब्रज में होऊंगा तब तुम्हारे साथ में हम कृपा करेंगे, दर्शन देंगे, प्राप्त करोगे तुम मुझे। वही चंपक लता अष्ट सखी में से ललिता विशाखा आदि सखी में से एक का नाम है चंपक है, और चंपक आज मीरावन के आए और वो दर्शन किया भगवान की कृपा प्राप्त किया। जब बात श्रवण किए मीरा ने, जब इसे बात को श्रवण किया जीवगोस्वामी, जीवगोस्वामी अपनी भूल को सुधार लिया और जा करके मीरा को मिले, मीरा भी जीव को मिले और दोनों संत परम संत में मिल हो गया। दिन से बोलो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से सुंदर ये भाव को वर्णन करते हुए, भाव को कभी वर्णन नहीं करना चाहिए, भाव अटूट है। इस प्रकार से मीरा बाई की कथा, मीरा की कथा, पुतना की कथा के माध्यम से हम ये भाव सकते हैं। यदुतनमक्षम कृष्ण स अर्वकम अद्भुतम सुनयास्वयात्मत्तो गोविंदे लवते रतिम, गोविंदे लवते रतिम। जो पुतना मक्षम की कथा सुनते इस प्रकार से वो देर सवेर भगवान की प्रति रति प्राप्त करते हैं, यानी कि प्रेम प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से भगवान की अन्य लीलाओं का वर्णन हो रहे हैं, जिन जिन अवतारण भगवान हरिश्वर एक अन्य लीला की वर्णन किया। एकाशी दिन की कथा है, भगवान एकाशी दिन में करवट ले लिया, मैया ने चीत करके सुला के गए थे, आकर के देखा वो पेट के बल पर हो गए, स्नान करके आकर देखा मैया यशोदा ने, अरे ये तो चीत पर रखे थे हम, ये पेट पर हो गए, यानी कि हड्डी पक्का हो गया। तो करवट लीला करने के लिए भगवान का बाल गोपाल का अपनी शौकियों को बुलाया और करवट लीला करने लगे, खाने पीने मस्ती करने लगे। यशोदा ने कहा कि देखो लाला भी सो रहा है, बहुत ज्यादा हल्ला मत करो जग जाएंगे। तो एक गोपी ने कहा कि भाई उत्सव हो तो हल्ला होगा ही, खाना पीना में गाना बाना नचना तो उत्सव कैसे, नचना ना हो गाना ना हो खाना ना पीना ना हो तो उत्सव कैसे। और ऐसे सोचते हैं कि कान्हा जग जाए, कि कान्हा को उठा के थोड़ा दूर कर देते हैं। तो पलना को उठाया, उठा करके गौशाला की तरफ एक छकड़ा के नीचे डाल दिए, छकड़ा माने बैलगाड़ी के नीचे इधर रख दिया नीचे। भगवान देखा हंसने लगे, वाह हमारे उत्सव हमारे नाम से है और हमको घर से बाहर कर दिया, आउट कर दिया। और यही होता है, बाप माँ सारा जीवन बालक के लिए मकान बनाता है, जब उनको आराम से रहने की इच्छा होता है तो कहते हैं पिताजी 5-10 दिन हरिद्वार में आप होके आना, अच्छा रहता है, दिखा देते रास्ता। ये नहीं होना चाहिए, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इधर कन्हा को रख दिया, पर इधर कन्हा ने देखा कि एक असुर मामा ने भेजा, शकटासुर है, ये शकटासुर जो है हिरण्याक्ष के पुत्र है उत्कच, लोमस ऋषि के श्राप से ये असुरी शरीर को प्राप्त किया और गाड़ी को हिलाने लगे। सोचा कि गाड़ी हिलाते दबा दूंगा ये बालक मर जाए। भगवान ने सोचा कि ये मैं रो दूं वहीं आ जाएंगे भग जाएंगे, पर भगवान को रोना आया ही नहीं। ये दुनिया को रुलाता है वो क्यों रोएंगे, वो दुनिया को रुलाने वाला है वो खुद रोने वाला नहीं। ये जहर पी के पिलाने वाला दूसरों को, पिलाने वाले खुद को, लेकिन वो दूसरों को पिला देता है, सब विपरीत काम है इनका। तो आज भगवान ने क्या ठीक है, मैया नहीं आए तो क्या हो, मैं ही तो दुहार कर लेता हूँ,
अपनी छोटी सी चरण को उठाया, एक गाड़ी में मारे धक्का, एक लात मारे और गाड़ी उल्टे और वो सकड़ा से जाके दम जाके गिरा जमुना में, गिर गया मर गए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से उद्धार हो गया दूसरी का, और तीसरा इस प्रकार से भगवान अपनी लीला करना शुरू कर दिया। एक दिन मामा माँ के गोद में बैठे हैं भगवान बाल कृष्ण, और माँ की जिसको मैया के स्तन पान कर रहे आंगन में बैठा हुआ। इतने में देखा कि आकाश में एक खिलौना और आ रहा है, तो देख करके भगवान सोच गए ये तो आकर के हमको उड़ा के लेके जाएगा। ये तिनावर है, जेड़ के महीना में ऐसे गोल चक्कर घूमता है, जो कुछ भी डालेंगे तो उड़ा के ले जाता है। तो ये तिनावर्त है, तीन के समूह है। तो सोचा कि मैं माता को संभालूंगा कि मुझे तो अपने को संभालना। तो भगवान ने ऐसी विद्या किया, एकदा अरुणम नलयति सुतम सति गरिमानम शिशो बोड़ मुनसे गिरि कोटवत। दूध पीते 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 इतना भारी किया वजन को, माता को लगा कि ये कैसे भारी हो गया, पत्थर जैसे बड़ा भारी हो गया, पर रखना मुश्किल है ऊपर गोद में। तो जमीन में पटका और घर को चले गए। अब उसी समय तिनावर्त आए, आकर के आकाश में उड़ गए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और एक बार बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। ये पांडु देश के राजा सहस्राक्ष दुर्वासा ऋषि के श्राप से तिनावर्त बने थे। ब्राह्मण भगवान के फल से इस प्रकार से असुर बनना पड़ा, और आज वो बालकृष्ण लेकर के आकाश में उड़ गए, मथुरा की तरफ आकाश मार्ग में जाने लगे। भगवान कहते हैं कि भैया यही रहो तो ठीक है, मथुरा भी जाने का टाइम हमारा हुआ नहीं, अभी बाकी है कुछ काम करना इधर। इसीलिए फिर भगवान ने वजन भारी कर दिया, जा रहे थे यूं तो नीचे की तरफ होने लगे। तिनावर तो सोचा कि क्या हो रहा है, भारी कैसे हो गया अचानक, मैंने कहीं गलती से काला पत्थर तो उठा नहीं दिया। भगवान कहने लगे देखो मेरे भक्त मेरे पत्थर में हमको स्वयं देखते हैं, अरे हम स्वयं में पत्थर देख रहे हैं। तो जाके जैसे भावना है उस हिसाब से उसको ऐसे मारना है। एक मक्का मारा गोविंदा आए मर गए, नीचे पत्थर भी गिर गए। इस प्रकार से तिनावर का उद्धार हुआ। प्रेम से बोलो आगे सुंदर वर्णन कर रहा है। गर्गा पुरचितो राजन, गर्गा पुरहित राजन जमुना जदुना स्मतोपा प्रजम जगाम नंदस्य वासुदेवस्य प्रचोदितम। एक बार वसुदेव जी को दर्शन करने गर्गाचार्य आए कारागार में, और वसुदेव जी कहा कि देखो गुरु जी मेरा तो बालक बड़ा हो रहा है वहां नंदो के घर में, आप जाइए वहां बालकों को नामकरण कर दीजिए। तो वसुदेव जी की इच्छा से आज गर्गाचार्य जी गोकुल में आए, और गोकुल में आकर के नामकरण करने के लिए दर्शन दिया। नंद देख करके कहा कि गुरु जी बालकों का नामकरण करना है, आपसे करना है। गर्गाचार्य ने कहा कि देखो मैं तुम्हारा बालक का नामकरण नहीं कर सकता हूँ। लेकिन गुरु जी नाराज है, पर नाराज तो नहीं है, पर मैं हूँ वसुदेव जी का घर का पंडित, तुम्हारे घर में दूसरों का घर के पंडितों के जब नामकरण करूंगा कम से कम मालूम हो जाएगा, और कम से कम मालूम हो जाएगा तो अनर्थ बढ़ जाएगा। तुम तो अपने गुरु संडल ऋषि से कराओ नामकरण। नंद ने कहा कि नहीं, जब आप पहले आए आपसे ही कराना है, और कोई उत्सव नहीं होगा गौशाला में जाके कराऊंगा, आप और मैं, मेरा दो पति नहीं रोहिणी और जसुमती, और दो बालक कृषि लेके गौशाला में नामकरण होगा। संवाद दे गया, गुरु जी मन गए और नामकरण के लिए गए गौशाला में। परंतु आधे भगत दोनों मैया ने सोचा कि हमारे गुरु जी बड़ी पहुंचा हुआ है, देखो सही कैसे हैं, तो कैसे देखेंगे। कहा कि देखो हम गांव की ग्वारिन हैं,
पंडितों को भाषा तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं अपने हिसाब से परीक्षा कर लू। अरे कैसे? तो जसुमती, यशोदा रानी कहते हैं, देखो रोहिणी, तुम्हारे लाल को तुम मुझे दे दो और मेरे लाल को तुम ले लो, और वहां जाके पूछेंगे, बताओ किसको लाल कौन को है, किसका लाल कौन है। वह ये दोनों अदला बदली कर लिया है। सुंदर देखा नंद बाबा ने कि ये क्या कर रहा है, आज को नामकरण दिन है, ये अदला बदली करे बालक को। आज नंद बाबा के मन में भी विचार आए, मैं भी पूछूंगा आज कि किसके बालक किस में है। ये बात ना, जब इस प्रकार से गुरु के परिश्रम लेने जाते हैं और ऊपर परमात्मा गुरु के माध्यम से वो शक्ति देते हैं। गुरु गर्गाचार्य जी आज बालक को देखा, सस्ती वचना की पूरा किया और सुंदर मूर्ति ने कहा कि नंद बोलो किसके नामकरण करूं पहला। अरे जसुमती बड़ी है, इनकी गोद में जो बालक है इनकी नामकरण पहला हो जाए। देख करके गर्गाचार्य कहने लगे, कितने सुंदर भाव स्फुरित हो रही है, देखिए, आयम हिरोहिणी पुत्र, आयम हिरोहिणी पुत्र रामायण सुहृद गुणई आख्यासादि रामेति बलादिक्यत बलमिधु जदुनाम पृथक भावत संकर्षणम उसनोजितम। ये बैठे तो है जसुमती के गोद में, परंतु ये जसुदा के पुत्र नहीं है, ये रोहिणी के पुत्र, आयम हिरोहिणी पुत्र। देखो नंद, इसकी बहुत सदगुण होगा, इनको राम कह करके सब पुकारेंगे, आपका साथ राम, और इसमें बहुत बल भी होगा, इसीलिए बलादिक्यत बलम विद्यु बलराम भी इसका नाम होगा। और कभी इसको संकर्षण आकर्षण करके लिया गया था, इसीलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। और एक इनका नाम रोहिणी, रोहिणी के पुत्र रोहिणी, चार नाम बता दिए इकट्ठा। इस प्रकार से नंद ने कहा कि गुरु जी आओ याको नामकरण कर दीजिए, यानी कि रोहिणी की गोद में जो बालक है याको नामकरण कर दीजिए। हाँ याको नामकरण करता हूँ। देखा नंद बाबा के दृष्टि को चुरा करके आज भगवान सोए हुए हैं यशोदा की पास में, रोहिणी की गोद में, और देख कहीं गर्गाचार्य कहने लगे, आसन बन स्त्रो ही आसन बन्नास्त्र यस्य गृहीतो नो युगम तनो रक्तो शुक्लोपितम इदानीं कृष्णतां गतम। नंद इनका तो बहुत बार जन्म हो चुका है, कभी ये शुक्ल वेश में आते हैं, कभी रक्त वेश में आते हैं, कभी ये पीत वर्ण धारण करके आते हैं, परंतु इदानीं कृष्ण, अभी कृष्ण बन गए, यानी कि कर्षति इति कृष्ण, जो सबकी चित्त को अपने ओर खींच लेते, यानी कि जीव की चित्त को अपने ओर खींच लेते, ये कृष्ण है। देखो नंद, ये साक्षात नारायण है गुरुजी, ये नारायण है। हाँ, ये साक्षात नारायण है गुरुजी, कहें कैसे नारायण हो जाए, नारायण का तो चार हाथ होता है, याकू तो दो हाथ है। इतने में भगवान आंखों में गुरुजी कहते हैं, गुरुजी को कहते हैं गर्गाचार्य के, कहा कि देखो हम नारायण नहीं है, बोलो हम तो कृष्ण ही है, नारायण होगा तो हमारा मंदिर बना देगा, शक्रवाणी लगा देंगे, भोग लगाएंगे, हमें तो मक्खन मिश्री तो रह जाएगा, मैं तो मक्खन मिश्री खाने के लिए आए हैं, आप बता दो मैं नारायण नहीं है। तो आज गर्गाचार्य को लगा कि प्रभु की इच्छा पूरा करना है, अच्छा प्रभु ठीक है। देखो नंद बाबा भी पकड़ लिया, भाई नारायण नहीं है क्योंकि चार हाथ नहीं है। हाँ नंद, ये चार हाथ नहीं है तो नारायण नहीं हो सकता, परंतु नारायण सुम गुणोई, नारायण के समान को अनेक बड़ा बड़ा सदगुण है, ये नारायण से कम नहीं होगा, समगुण ही नारायण के समान गुणवान होगा। दक्षिणा देके विदाई किया, दोनों बालक अपनी मैया लेके गए घर, जाते जाते रास्ते में पूछ रहे क्या नाम भयो, अरे चार चार नाम बोलो कैसे पता रखूंगा याद रखूंगा, बोलो अरे कुछ तो बोलो, बोले हम अपने बलुआ के नाम बलुआ धर लियो है बलुआ। रोहिणी कहते हैं अपने बालक को बलुआ धर लिया है, यशोदा कहते हैं ठीक है तुम बलुआ धर लिया है तो हम अपने बालक को कनवा धर लिया है। माता का बाल गोपालों का नाम कनवा बलुआ हुआ, इस प्रकार से नामकरण शुरू हो गया भगवान का। आगे भगवान जितने जितने कर्म करते जाएंगे उतना उतने नाम प्राप्त होते जाएंगे, आप सब गिनते जाना नामकरण भगवान।
और इधर भगवान जब घर पहुंचे गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल 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 राधे माधव जय हो दोनों हाथ जब आगे पाल लाने श्री श्री राधा पार्थ साक्षी भगवान बाल गोपाल भगवान की गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव मेरे 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 माधव भगवान आज धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं कभी तो बाबा का तलवार खींच लेता है कभी बाबा का चरण लेकर के सिर में रखते हैं कभी हाथ को पकड़ लेते हैं पका हुआ फसल के ऊपर कूद पड़ते हैं और कभी कभी सर्पों को पकड़ लेते हैं इधर ऊपर से ब्रह्मा के दर्शन कर रहा है ब्रजवासी कहते हैं अहो भक्यम ब्रजको सुभजो कृष्ण अहो भक्यम नंद गोप भजो कृष्ण जम मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम उन पूर्ण ब्रह्म सनातन को नंद ब्रजवासी सब मित्र समझते हैं सखा समझते हैं पुत्र समझते हैं ब्रह्म नहीं ब्रह्मा नहीं समझते हैं पूर्ण ब्रह्म सनातन जन मित्रम परमानंद उन परमात्मा स्वरूप को ब्रह्म नहीं समझते पुत्र समझते बालक समझते सखा समझते प्रेम से बोलो बड़ी भागी ब्रजवासी जिनके घर खेलन आए पूर्ण पुरुषोत्तम अविनाशी आए इस प्रकार से हो रहे हैं पर भगवान ने सोचा हो गया बहुत अभी हम बड़े हो गए थोड़ा जिस लीला को करने के आए वो माखन की चोरी तो भी नहीं हुआ अब चोरी की काम करते हैं और अपने अपने बाल गोपाल को चिंता करो बचपन का हम सब चोरी है कोई अपने पिता का जेब से अठानी चोरी किया है कोई अपने दूसरे के घर से कुछ ना कुछ चोरी किया सब चोरी विद्या में लगे हैं ये आए कहां से विद्या ये भी चोर जो विद्या संप्रदाय भगवान ने बनाया था उस प्रभाव से का प्रभाव है एक दिन भगवान ने देखा कि मैया ने आज सुंदर रश्मि वस्त्र पहन करके स्नान करने गई और भगवान ने सोते हुए पालक बेटे उठे और के सीधा मक्खन मटकी के घर में पहुंच गए और मक्खन चुरा के खाने लगे मैया करके देखा कि कनवा 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 नहीं कोई आवाज भी नहीं है बहुत ढूंढे नहीं मिले तो एक ही घर बाकी रह गया मटका वाला वहां गए जा करके देखा कि तो माखन था अरे कन्हा तुम माखन खा रहे हो भगवान कहते हैं मैया तेरी सौगंध हम माखन नहीं खा रहे माखन नहीं खाए देख मैया तेने ये हाथ में क्या पहना के रखा है मैया ने बालक के हाथ में सोने के कंगन पहना के रखा था आज भगवान कहते देखो यहां में से आग निकल रहा है और मेरे हाथ जल रहे हैं मैं सोचा कहां रखूं तो माखन ठंडो है तो ठंडो में हाथ धो दे माखन नहीं खाए तेरी सौगंध मैया को भी हंसी आ गया जैसे आपको हंसी आ गया
मैया पे हंसो, अरे ताली भी बजे तो हंसना भी बोलो। देखो छोटी बालक है और कितनी कितनी सफाई दे रहे हैं। सोने के कंगन से कभी आग निकालते हैं क्या? कदापि नहीं। मैया भी जानते हैं, बाल गोपाल भी जानते हैं, लेकिन तत्ली बोली में कितनी चलाकी से भगवान कहते हैं, देखो मैया यहाँ में से आग निकल रहा है, मेरे हाथ जल रहे हैं, कहाँ धरो तो मक्खन ठंडो वही धर देनी ठंडा करने के लिए। मैं मक्खन नहीं खा। अच्छा तेरे हाथ जल रहे हैं, निकल देता हूँ तेरा। सोने के वाला निकाल दिया। भगवान बालादेव को कहा, बालादेव नमस्कार, तुमको तुम्हारे कारण भी आज पिटाई बच गया हमारी, या तो मुझे तो बहुत पिटाई करते। इस प्रकार से माखन चोरी भगवान ने शुरू किया पहले घर में, और पहले ही पकड़ गया, पर भगवान रोके नहीं। दूसरी दिन अपनी सखाओं को बुलाए, मनसुखा सीधा मधुमंगल तोसो कृष्ण सबको बुला करके कहा कि भैया आज हम माखन चोरी करने के लिए एक पार्टी बनाएंगे। तो कौन सा पार्टी? ये बाल गोपाल चोर जीवित्ति संप्रदाय। कौन सा वृत्ति? चोर जो वृत्ति, वृत्ति होता है ना व्यवसाय, इस प्रकार से करें। ले भैया क्या काम करना? मेरे घर घर जाके मक्खन चोरी करेंगे और उन्हीं के घर में बैठ के खाएंगे। ये आपको घर में चोरी करना और उसमें घर में खाएंगे तो ये आपको चोरी नहीं कहा भाई। अच्छा ये काम करने के लिए कब से होना? आज पार्टी तैयार हो गया, कल से इस पार्टी का मालिक कौन बनेगा? बोले मनसुखा तू सबसे बड़ा है, ब्राह्मण का बेटा तू बन जा। बोले नहीं, हम ब्राह्मण का बेटा तो हो सकता है लेकिन मार पड़ेगा तो पिटाई हो जाएगा मेरा, तो इसीलिए भैया तू ही बन। भगवान कहते ठीक है, हमने शुरू किया तो हम ही करते हैं, लेकिन एक शर्त है, तुम कितने भी बड़े बड़े हो ना हो, माम छोटे हो के ना है, लेकिन सब सरदार का आदेश पालन करना होगा। सब लोग कहते हैं ठीक है मंजूर है। आज भगवान ने सब कुछ वचन ले लिया, पालन करना होगा। दूसरे दिन सुबह हुआ, सबको चुटकी बजाए, सब आ गए, सबको लेकर के चिकसुली बाई गोपी के पास गए, चित्ता सखी के गांव की प्रसन्ना के पीछे है वहां गए, आज भी है वहां जाकर के आवाज लगाया चित्ता सखी को, चिकसुली बाई गोपी स्नान कर रही थी, सोचा कि ये तो कन्हा की आवाज है, इतने सुबह सुबह आ गए हो, बाहर आए स्नान करते करते, बाहर आए कहना कहावत है। अरे चिकसुली भाई को भी कहावत हूँ, सुबह सुबह मैया तेरे को घर भेज दिए हो, हमारे घर में आज संतन भगवान आएंगे और कुछ माखन मिश्री के लिए भेजा है। अच्छा तेरे घर संतन भगवान आएंगे? अरे जिसके घर में साधु संत आए उसका घर तो मंगल है जाए, तो एक काम कर, तेरा मैया ने एक मटकी मंगाया तो मैया का एक मटकी और मैं अपने तरफ से एक मटकी संतन के लिए दे रहा हूँ। कहते हैं भगवान चिकसुली भाई गोपी तू तो सच्ची भगत राम है, तेरे से भगत कौन हो सकते हैं, सच्चा भक्ति है तेरा, भक्ति संतन के लिए। माखन लिया, मिश्री लिया, स्नान करके चले गए और आंगन में ब्रज में अपने घर के बाहर चौबरा होता है और चौबरा के आंगन के अंदर बैठ करके माखन शुरू कर दिया खाना। तो माखन इस प्रकार से शुरू किया खाना। फिर से बोलो हरे कृष्ण। जब इस प्रकार से माखन मिश्री खाना शुरू कर दिया, सुबह के समय है, सब बालकों को लेके माखन खाए, मिश्री खाए, माखन की आवाज आ रहा है चटपट और मिश्री की आवाज आ रहा है कटकट कटकट चटपट कटपट चटपट हो रहा है। तो ये आवाज सुनकर जब बाहर आए स्नान करके, सोचा कि कोई कुत्ता बिल्ली तो नहीं घुस गया अंदर, और जाकर के देखा कि कुत्ता बिल्ली नहीं है, ये तो सब वो कन्हैया सब अपनी पंगत लेके सबको खिला रहा है। गोपी को गुस्सा आ गए, अरे कन्हैया तू तो बोल रहे थे हमारे मैया ने भेजा और संतन के लिए मंगाया ये माखन मिश्री, ये जरा क्रोध में आ गए गोपी। तो भगवान कहते हैं देखो गोपी, एक हाथ कमर में भगवान डाला और एक हाथ से कहा देख गोपी खबरदार गाली मत दियो, ये सब संत है नगर संत है, या को तो प्रणाम कर गाली मत। गोपी को और क्रोध आ गया,
कहते अच्छा मक्खन भी क्यों और गाली भी नहीं देने दे रही है और हमको प्रणाम करने बोल दिया। अच्छा अभी प्रणाम कर देते हैं, अभी डंडा लाती हूँ, डंडा लेके प्रणाम करते, डंडा लेने गए तो भगवान कहते भागो भागो सब भागो, बस चालू हो गया भगवान की इस प्रकार से मक्खन चोरी करना। जिसके घर में जाते हैं मक्खन मिलते हैं तो प्रसन्नता दे, मक्खन खाते हैं और आशीर्वाद देते हैं जीते रहो, और जिनके घर में नहीं होता तो कहते हैं घर है कि मरघटा, तेरा माखन खाने को नहीं मिलता। आज भी ब्रज में सबकी घर में माखन मिलनी मिलता है, थोड़ा एक गाय तो जरूर होगा, एक गाय तो जरूर होगा। जहां सारा दुनिया की लोग नोट कमाने फैक्ट्री बना रहे हैं, हमारे अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भक्त संघ भी गुरु जी ऐसी मतलब स्वामी भी गोपालन के लिए के भी कई जगह पर बताया कि गोपालन बहुत ही महत्वपूर्ण है, साक्षात भगवान का प्रिय है गौ, क्योंकि गौ के शरीर में 33 करोड़ देवताओं का वास है। जो एक गाय पालन करते हैं वो समस्त देवताओं का भोजन हो जाता है, पालन हो जाता है। आज भगवान ने जब इस प्रकार से गौ से मक्खन चोरी से करने लगे, कहीं कहीं डांट पड़ा, कहीं भागे, एक गोपी सब माखन चोरी करते 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 ऐसा हो गया, रोजाना माखन चोरी नहीं करने गए तो उनके मन में कहते आज तो नहीं आए, क्या हुआ? तो एक दिन सब गोपी लोग आकर के भगवान के दरवाजा में जसोदमती को शिकायत करने आए। ये सब झूठ को देखे जसोदा ने कहा कि कहाँ जा रही हो? अरे जा कहाँ रही है, तेरे घर ही आ रही हूँ। अरे क्या बात है? अरे तुम्हारा लड़की का तुझ क्या बसान मंचात कचित समय क्रोध संजात आशम स्त्रियम सत्यतम गतिपय गल्पित स्त्रियो गौज गई मरकान भोगान विभजती सच्छिन्नम भंडम विभंति द्रव्यलाभे सग्रह कुपितो यत्ते उपक्रमो दोकान। देखो तुम्हारे लाला ने उदम मजा के माखन के माखन खाए, मोटकी के मोटकी जोड़े, गैया के दूध को भी बछड़ों को पिला दे। आज जब हम दुआने जाए तो हमारे दुआने के दुआने टूटे, कहने के टहने टूटे। यशोदा ने कहा कि देखो मेरा बालक है, अरे उम्र में प्राप्त किया, 60 साल की उम्र में प्राप्त किया है ये बालक है, और बचपन में ऐसा बहुत कुछ होता है, तुम इतने बड़े बड़े गोपी हो तो थोड़ा सा आँख गर्म करके दिखाओ तो बालक है ना, डर के नहीं आएंगे। कहा कि सब क्रोध संजात हास क्रोध करो, कहते ये कर चुका हूं ये विद्या नहीं चला। बोले क्यों? तो जब हम क्रोध करते हैं तो इतने हंसते हैं, भगवान की हंसी में माया है, और हंसते हैं से जगत को मुग्ध कर देते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, और सब मोहित हो जाते हैं। इस प्रकार से तो अच्छा ऐसा नहीं करते हैं, तो ऐसा करो तो दधी को ऊपर ऊपर चढ़ा के बांध के रखो। मैंने ये भी किया, तो कैसे क्यों? और ऊपर तो रखा है पर एक के ऊपर और करते करते स्वयं चढ़ जाए ऊपर, और मक्खन चोरी करके खावे। इस प्रकार से सब शिकायत करने लगे। आज जसोदा मैया ने कन्हैया को आवाज लगाई, कन्हुआ कन्हुआ देखो गोपी सब क्या कहने आए। भगवान सो रहे थे, मैया के पास उनको के आ गए, आकर के कहा कि देखो मैया इनकी बात मत लियो, ये सब झूठ बोल रहे हैं, तेरी कसम हमने माखन चुराई के नहीं खाया। यशोदानी कहा कि देखो मेरे ये बालक कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और एक बात है कि अगर खा भी लिया माखन, बालक है छोटे हैं, कितना खावे तू 100 ग्राम 200 ग्राम, पर हमारे मक्खन की कोई कमी है क्या? जितने खाया उससे ज्यादा लेके दफा हो जाओ, पर गाली मत दियो मेरे बलाल को। तोल तोल लियो बीर जितने जाको खाए है, पर गाली मत दीजियो मगरी बिनी को झाइए। सब गोपी कहते हैं तुम तो नाराज हो गए नहीं, अरे सुबह से बंद के रखे हैं, आए नहीं खाने मक्खन, हम तो मक्खन के बहाने तुम्हारे लाल को देखने आए। जो जसोदा ने कहा कि मेरे लाला को देखने आए, इतना प्रेम है, कहा कि देखो भियो आज से लाला तुम्हारी हो, ए रहा लाला हमें तो चली कर।
चल दिया। गोपियों के बीच में लाला बैठी है, गोपी कहने लगे, देखा कन्हैया तेरे मैया अभी आज हमारे हवाला में करके गए, अब तुम हमारे हो गए, रसास में हम तो तुम्हारे हो गए। ये गोपी कहते हैं होली, क्या कहते हैं, हम तो तुम्हारी होली हो गए, होली भाई तुम्हारी हो गया, होली माने होली नहीं खेलना, हम तो तुम्हारी होली, हम तो तुम्हारी हो गए। इस प्रकार से बड़ी भाव है गोपियों का। तो भगवान कहते हैं देखो गोपियों, तुम अपने प्रेम की बात बता दी हमको, तो हमारा प्यार नहीं समझे। आज सुबह से मैया ने कितने बार कहे कन्हैया मक्खन खाए ले, मैं कभी सोता हूँ कभी उठता हूँ, बाहर नहीं जाता हूँ, मक्खन भी नहीं खाता, क्योंकि मुझे चोरी करने के जो खाने में मजा है वो राजी खुशी के मजा नहीं है। प्रेम से बोलो हरे कृष्ण। इस प्रकार से भगवान माखन चोरी करते करते सब चित्त को चुरा लिया, गोपियों को प्रसन्न किया, और सोचा गोपियों का इस प्रकार से बड़े तदामत हो गए, गोपी कन्हैया को छोड़ करके नहीं और कन्हैया भी गोपियों को छोड़ के नहीं, ब्रज में जिदार देखो कन्हैया गोपी, गोपी और कन्हैया। एक दिन भगवान ने सोचा कि माखन खाते खाते शरीर मोटो हो गया, अब मुझे कुछ पतले होना है, पेट मोटो हो गए, और जमुना के किनारे में अपने बाल गोपाल के साथ जब खेलने गए, एक ढीला खा लिया, एक ढील खाल खा करके खा लिया, सब बालकों ने देखा और देख करके कहा कि भैया ये माटी खाए, माटी खाए, कन्हैया तू मिट्टी खाए हो, बोले नहीं, पर नहीं बोल पा रहे हैं मुंह बंद करके, मिट्टी है तो क्या बोले, कहा के अरे कन्हैया मिट्टी खाए वो नहीं, कहते नहीं तो बोल दो, कहते ये ऐसा नहीं सुनेगा। सकृत करे कृष्ण पलम्बम हितोषिणी, उसको हाथ में पकड़ा सबको, गुली डंडा करते हुए ले जा रहे मैया के पास, और मैया के जाकर के कहा कि मैया के पास चलो, और मैया जो डंडा से पिटाई करेंगे इसका तभी मन जाएंगे, और आप सब लेके जा रहे हैं। मैया को लेके बाद गुली डंडे के बाद गए और शिकायत कर रहे हैं सब, क्या बोल रहे हैं, तेरे लाला ने माटी खाई, तेरे लाला ने, यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई, सुन माई सुन माई, यशोदा सुन माई, सुन माई यशोदा सुन माई, तेरे लाला माटी खाई, यशोदा सुन माई। हाथ पर करके भगवान को माटी खाते हुए देख लो, मक्खन खाए के बोला नहीं मक्खन खाया, और माटी खा करके बोल रहे हैं मैंने माटी नहीं खाया, अरे सुना है सुन तो माटी का नाम ब्रज रानी दौड़ आई, सुन तो माटी के नाम ब्रज रानी दौड़ आई, और पकड़ो हरी को हाथ कैसे तूने माटी खाई, तुतुरन तुतुरन को तुतलाई के बोले श्याम, मैंने नहीं माटी खाई बोले बलराम दाऊ भाई, मैंने माटी नहीं खाई बलराम दाऊ भाई कहते हैं, मैया सास को आज नहीं तो देखो मेरा को, आप वो बोल दिया बोल रहे हैं, नाम बख्शितम अम्बम, नाम बख्शितम अम्ब सर्वे मित्ता भी सपंसा, यदि सत्यम गिरस्तम समक्षम पश्चिमे मुखम, मैं तो तुम्हारे सामने हूँ माता, ये अम्ब ना आम बख्शितम अम्ब, अम्ब मैं माटी नहीं खा, ये सब झूठ बोल रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहे हैं, तो मैं सामने हूँ। मैया कहता अच्छा तुझे आज जरूर मारूंगी, कोई दिन तो मक्खन खाए थे मैंने छोड़ दिया,
और आज से मिट्टी खाए तो मैं छोड़ूंगी नहीं, जो रोज मारूंगी। गन्ना पकड़ लिया और डाढ़ी देकर के गन्ना के भगवान बहुत चला के गया। एकदम हाथ जोड़ करके भगवान मैया को सामने हाथ जोड़ करके थर थर कांपते कहते हैं, क्या कहते हैं, मरे मत मैया वचन भर भाई, 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 वचन भर भाई ले जाए सौगंध खवाई ले, वचन भर भाई ले सौगंध खवाई ले, पर मारे मत मैया वचन भर भाई ले, मारे मत मैया वचन भर भाई ले, धनसुखी खवाई ले जाए मनसुखी खवाई ले, धनसुखी खवाई ले जाए मनसुखी खवाई ले, गाँव जी भैया से मेरो हाथ धरवाई ले, गाँव जी भैया के मेरो हाथ धरवाई ले, पर मारे मत मैया वचन धरवाई ले, हाथ बन करके बाल गोपाल की जय हो। भैया से प्रार्थना बड़ी मस्ती में आगे आगे बढ़ रहे हैं, देखते जाइए सुनते जाइए क्या हो रहा है। गंगा की खवाई ले जाए यमुना की खवाई ले, गंगा की खवाई ले चाहे यमुना की खवाई ले, अरे भैया इतने में जरा विश्वास नहीं हो तो भैया गिरी सागर में मोहे खड़ो गलवाई ले, गिरी सागर में खड़ो करवाई ले, मारे मत मैया वचन भर भाई ले, मत मैया वचन भर भाई ले, बाल गोपाल की जय हो। ठीक है नहीं मारते मुकुल, मैंने कहा कि मुकुल भगवान ने कहा कि देखो मैया मुझे डर लगे छोड़ी तो फेंक दे, ये साठी जो हाथ में रखा है यहाँ डर लग रहा है, कहीं जरा सी रह गया मुख में भगवान कहते तो पिटाई ना हो जाए, सोच के कहा कि फेंक दो छोटी, तो ठीक है लाठी फेंक दिया मैया ने, लाठी फेंक दिया और भगवान मुख खोले, छोटे सुमुख रविंद, छोटे सुमुख रविंद कृष्ण हो ने फोड़ दिया, मुख खोल दिया, कैसा मुंह छोटा, वो बटुआ होता ना ये बंद करने वाला जिसमें 2 रुपये 4 रुपये रखा जाता है, रिक्शा में जाए कहीं छोटे मोटे की देना होता है वो वाला बटुआ, बड़ा वाला नहीं छोटा ये बंद, ऐसा भगवान मुंह खोला और कहा कि यदि सत्यम गृहस्थम पक्षम मसमे, देखो देखो मेरा मुख, और क्या लिखा बेटा जी क्या लिख रहा है, शायत्रावदत्त से दिश्यम यायत्र दिश्यते विश्यम जगत स्नान शखम दशम सात्री दीपाप दी भूगलम स्वाति अग्नि तो अंत तारकम ज्योतिश्चक्र जलम तेज नवश्च पयोदयम वैकारिकारी इंद्रियाणि मनोमत्रा गुणस्तयम्। क्या नहीं देखा, पहाड़ पर्वत नद नदी सब कुछ दिखाई दे रहा है लाला के मुख में, यहाँ तक कि नंद बाबा के घर को दिखाई दे रहा है, यहाँ भी नंद बाबा के घर में आंगन में खड़े बाल गोपाल को दिख रहा है मुंह में, और लाठी हाथ में मैया ने शासन कर रहे हैं वो भी दिखाई दे रहा है, मैया कहने कि ये क्या हो रहा है, किंग सपनम एत दे मया किंग में मदियतम बुद्धिमम, क्या मैं एक सपना देख रहा हूँ, क्या बुद्धि को मेरा भ्रष्ट हो गया, इस प्रकार से माया भगवान अपनी वैष्णवी माया के द्वारा
इस प्रश्न माइंड हो गया और मूर्छित हो गए। प्रेम से बोलो, और एक बार बोलो, भगवान ने देखा मैया तो मूर्छित हो गए, तो थोड़ी थोड़ी में हाथ लगाए भगवान मैया का और मुद्रा छूट गए। कहा कि मैया आंख खोला, मैया मैया तूने माटी देखी, तो मैया कह रहे हैं सब जब झूठो के बोलेगे मान मेरे लाल साँचो है। सारी दुनिया झूठा है पर मेरे लाल केवल साँच है। साँच श्री राधा रमन झूठो सब संसार, बाजी करे गोपे कनो मीठो तनो लगाई रवाज। सारे दुनिया की जो कुछ भी देख रहे हैं ना सब झूठा है, सच नहीं है। रूपा जी कहते हैं वो कैसे हो सकता है, ब्रह्म से जो आए हैं वो झूठा नहीं हो सकता, लेकिन ब्रह्म और जीव की जो अंतराल है वो इतनी लंबे है उसको देखकर लगता है। ये कंटेम्पोररी शब्द यूज किया प्रभुपाद जी ने, कंटेम्पोररी टेम्पररी कंटेम्पोररी, और सच को झूठ को लगता है सच है। इसलिए ये वास्तव में ब्रह्म सत्य है तो जगत भी सत्य है, लेकिन ब्रह्म के बीच में जो अंतराल है उसको ही देख करके लोग मोहित हो जाता है, और यही भगवान की माया है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से भगवान मिट्टी खा करके परीक्षा किया कि ब्रज में इस गोकुल में और ब्रजमंड में मुझे आगे बहुत लीला करना है, कि पृथ्वी का योग्यता क्या है, पृथ्वी धरती का क्षमाशील हो सकता कि नहीं, कि मैं बहुत बहुत लीला करूंगा। आज पृथ्वी को यानी मिट्टी खा करके क्षमाशील बनाया और परोपकार बनाया। इस प्रकार से भगवान मिट्टी पकन खा करके सुंदर पेट को सफाई किए। परशु भगवान पूछे कि महाराज इतनी सुंदर बाल लीलाओं को आनंद नंद जशोदा को प्राप्त हो रहा है, ये कौन है? जिनकी गर्भ से जन्म लिया है वो जशोदा देवकी और नंद देवकी और वसुदेव जी को तो सुख नहीं मिला, ये नंद और जशोदा कौन है जिसकी इतनी बाल लीलाओं का आनंद प्राप्त हो रहा है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन ये पिछले जन्म का द्रोण और धरा है, जिन्हें तपस्या के बल पर भगवान विष्णु को दर्शन प्राप्त किया था और भगवान विष्णु से प्रार्थना किया था मुझे आपकी बाल लीलाओं का आनंद प्राप्त करना है, ये वही द्रोण और धराए हैं नंद जशोदा बने। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार अन्य दिन की बहुत सुंदर कथा है कि एक दागे दासी सु जशोदा गृह नंदिनी कर्मांतरम निजित सु निर्मथो स्वयं जति। जशोदा मैया ने सोचा कि मैंने माँ बन गया लला का, पर अपने हाथ से तो माखन ठीक से नहीं बनाया, आज सुंदर माखन बनाऊंगी, माखन मथनी से माखन बनाऊंगा। स्नान करने गए, सुंदर रेशमी वस्त्र बना पहना करके और मथनी पकड़ के मथुराए, और अब तक जितनी लीला किया भगवान ने सब लीलाओं का गान कर रहे हैं। यानी यानी पातानी तद्वानी चरितानी चौ जानी जानी ही गीतानी तद्वान चरिनानी चौ दधि निर्मंथने काले स्मरंती आवयान। दधि मंथन से भगवान को चिंतन कर रहे हैं और भगवान के नाम से गान गा रहे हैं और भगवान के लिए ही दधि मंथन कर रहे हैं। जब व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा तीनों से एक हो जाता है, मन से भगवान की चिंतन करते हैं, वाणी से भगवान की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कर्म से भगवान के लिए करते हैं, तो भगवान से रहा नहीं जाता। भगवान उठे, उठ करके परना से उठे, आ करके मैया के मथानी पकड़ लिया, कहते हैं कि मैया मैया भूख लगे, भूख लगे, मथानी छोड़ करके मैया ने दूध पिलाने लगे, दूध पिलाते पीते आज भगवान ने मैया को पूछा कि मैया मैया सच बता तेरे को दूध प्यारो कि कूद प्यारो। मैंने कहा कि दूध दूध है पर कूद के साथ में दूध का क्या, कूद माने पुत्र उदम मचाती है ना, इसलिए कूद कहते हैं। इतने में जिस दिन मैया ने देखा दूर में बड़े बड़े कढ़ाई में पद्मगंधा आदि बड़े बड़े गायों का दूध जाल दिया जा रहा आग में लगा के,
और वो उफान आ रहा है। देख के ये सोचा कि ये क्या करो, ये तो अंदर दूध पीना जा रहा है, उधर भी दूध कर रहा है। बाल गोपाल किसी के घर में है और दूध चूल्हा में जले तो अपशकुन माना जाता है। मैया ने उठाया, पकड़ के पटक दिया जमीन में और चल दिया दूध समान। दूजी ने सोचने लगा कि बड़े भागी है माता जसोदा की स्तन की दूध, वो काल बाल कृष्णलाल की मुख में जा रहा है, बड़े भागी है वो, और हम जो है कढ़ाई में जल के राख हो रहा है, यह दूध भी नहीं जा पा रहा। कृष्ण लीलामी सर जीवंत होकर के सोच रहा है दूध में, और भगवान की इस कृपा हुआ कि पटक दिया जमीन पर गए दूध समाने। दूध संभाल के जब वापस आए तो देखी भगवान ने एक मटका उठा करके सोचा कि मुझे अभी तो बोल रहे थे खुद प्यारो है दूध समान ले गए तो आज सिखाऊंगा। एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा करके मटका में दे छोड़ा। सास ससुर की पुराने जमाने की मटका तो टूट गए। मैं आकर के देखा, कहा कि कन्हैया तूने क्या कर दिया। भगवान कहने लगे जिसकी बकर भुकुटी के भय से सागर सब तो उबलते देखा, उसको माँ जसोदा के भय से वस्त्र डलते देखा। सोचा कि मैं राम अवतार में तो मैं थोड़ी सी उस समुद्र को क्रोध प्रकाश किया, वो सात समुद्र उबलने लगे, पर यहाँ तो अगर लीला में हम थोड़ी सी क्रोध ना करो तो ये भी ठीक नहीं है। आज भर मैया के हाथ की लाठी देख करके मुझे रोना पड़ रहा है। सूरज दिनेश गणेश महेश ध्यान धरे पर पार न पाए, ताक ब्रज की छोरिया छछिया भर छाछ पे नाच न चाहे। इस प्रकार से भगवान जब इस प्रकार से कहा कि मैं लीला में ये मटका फोड़ दिया, मैया ने कहा कि देख अब तू बचेगा नहीं, आज तेरे को जरूर मैं पिटूंगा मारूंगा, तो रुक जा। तो तब तक मैया के बोलने से कन्हैया भाग कूद पड़े और कूद बोल के जाके कहा उंगली दिखा के कहते मैया पहले पकड़ के लेना पर सीधा कर दियो, चल दिया आगे आगे मैया पीछे पीछे उल्टा बोल रहा हूँ क्या सुन रहा है, मैं परीक्षा कर रहा था सब सुन रहा है क्या सुन रहा है। एक बार एक कथा कर रहा था, क्या कथा कर रहा था, क्या हिमालय से एक मक्खी उड़ के आई दिल्ली में, रा करके मिठाई की दुकान में गए और बड़े बड़े दो रसगुल्ला को दबाया और सुनने में कहा हाँ धोखा भी दे रहे हैं सुन रहे हैं, और फिर वो रसगुल्ला उठा करके सीधा पहाड़ चला गया। हाँ तो कथा कर कहते यही सुन रहे हैं, हमने जोरा से परीक्षा लेने का प्रयास किया, अरे आगे आगे मैया नहीं आगे आगे कन्हैया, बोलो आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे मैया। इतने साल आपको कार्तिक महीने की कथा में सुनते हैं, क्या आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे मैया, रुक जा सीधा कर दूंगा तेरे को। मनुष्य कालीस आके कहते हैं मैया तू इसको ऐसे नहीं पकड़ सकेगा, तो कैसे पकड़ सकेगा तू, या को सौगंध खिला तो काय को सौगंध लाभार दुष्ट को झूठ बोलने वाले को सौगंध खवाओ, या को कोई भगत राम है बोले है बहुत है, तो काय को भगत बोले ये करो कि ये भक्त की सौगंध खिवाओ। मैया ने कहा कि कन्हैया तुझे तेरा भक्त की सौगंध तू मेरा हाथ में ना जाए, लेकिन भगवान आया नहीं दूर कामन सुख तो नहीं आए। कहते मैया ये जब नहीं हुआ तो एक काम कर कलिजुग की भक्त की सौगंध खिलाओ, क्योंकि कलिजुग का भक्त भगवान को अति प्रिय है। आप जो भजन करने वाले हो ना भगवान को अति प्रिय है, सच में बता रहा हूं। तो मैया ने कहा कि कन्हैया तुझे तेरा कलिजुग की भक्त की सौगंध, और कन्हैया रुके बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जब इस प्रकार से रुके तो भगवान को आज मैया ने पकड़ लिया, चल सीधा करूंगा तेरे को सीधा करूंगा पकड़ लिया। हाँ पकड़ करके कहा कि देख तुझे मारूंगा नहीं पर छोड़ूंगा भी नहीं, तो क्या करने लगे।
अपनी जोड़े से रस्सी को निकाल करके कन्हैया को बांधने लगे। आमतौर पर लोगों को बांधा जाता है हाथ पैर में, पर ये कन्हैया को पेड़ से बांध रहा है। कन्हैया ने कहा कि हमको पेड़ से बांध रहा है, अरे हमारे पेड़ में तो अनंत ब्रह्मांड है, मैं बंध गई तो सब ब्रह्मांड बंध जाएंगे, इसीलिए बांधने जाए तो दो अंगुली छोटा पड़ जाता है। ये दो अंगुली की छोटा के कारण क्या बताए आचार्य ने, दो अंगुली प्रथम है कृष्ण प्रेम और दूसरी है कृष्ण कृपा। जब तक जीव की कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, सच्चा प्रेम नहीं है, तब तक कृष्ण की कृपा नहीं हो सकता। इसीलिए कोई भी काम नहीं होगा, बांधने का काम तो दूर की बात है। प्रेम से बोलो कृष्ण से प्रेम बहुत होगा तो कृष्ण की कृपा अवश्य होगा। लेकिन मैया कृष्ण से प्रेम नहीं था, आज तो कृष्ण को बांधने गए, प्रेम से नहीं था, दंड देने जा रहे थे। भगवान कहते ठीक है हमको दंड देना तो बांध लो, लेकिन ऐसा है जो अंगुली छोटा पड़ जाता है। आड़स पड़ोस जितने का घर में जाके रस्सी ले जाए, गांठ लगाया, बांधा, फिर भी नहीं, बांधने जाए तो दो अंगुली छोटा पड़ जाता है। मैया तो दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णं कृपया आशीष सबंदनं, और मैया को पसीना से लथपथ दे करके भगवान कृपा वन कृपया आशीष सबंदनं मैया के हाल में बंदी हो जाता, बंध जाता है। बांधने वाला नहीं था, लेकिन मैया का परिश्रम देख करके, लथपथ पसीना से भीगते हुए देख करके आज भगवान बांध गए मैया की हाथ में बंध। बंध गए कमर में एक तरफ, दूसरी तरफ रस्सी को कहा कि ये कहाँ बांधो, ओखला पड़ा था ओखल, ओखलों में बांध दिया। कि ओखल में ऊपर चढ़ के भगवान ने कई बार मक्खन निशी चोरी किया है, ये साथी समझ करके मैया ने कहा कि तेरा साथी है तू, तेरा मित्र के साथी बंधा रहा, चला गया। मैया अंदर हो गए, भगवान ने देखा अच्छे बांधे, फिर कहा कि मैया तू तो कितने भी मुझे बांध के गया, लेकिन बंदी अवस्था में भी मैं दूसरों का मुक्त कराऊ। क्या बोले, मैं बंदी अवस्था में दूसरों को मुक्ति करूंगा। और भगवान उस ओखल को खींचते खींचते घर के बाहर गए। घर के बाहर नारद जी का श्राप प्राप्त दो जमला वृक्ष पड़ा था, ये कुबेर के दो पुत्र श्राप प्राप्त हुआ था। स्त्रियों के स्नान के समय में जब नारद जी गए और उस नल कुबेर मणिग्रीव जो नारद जी को सम्मान नहीं दिया, स्नान करते रहे और स्त्रियों के साथ में जल केली करते रहे, नारद जी ने श्राप दिया ऐसे व्यक्ति को वृक्ष जनि प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। पति घर में नहीं है, घर के बाहर जाते हैं, दूसरों को मिलने जाते हैं, वृक्ष शरीर मिलता है। पति को धोखा देने वाले चंडाल बनते हैं, चंडाली बन जाते हैं, पिशाची बन जाते हैं। और नारद जी आज श्राप दिया था इनको, वृक्ष बन गए, वृक्षों के बैठा हुआ ईश्वर रोने लगे कि प्रभु श्राप तो हो गया, वृक्ष तो बन गया, लेकिन मुक्ति कैसे होगा, साक्षात बजेंद्र श्री कृष्ण द्वारा तुम्हारा मुक्ति होगा। तो ये घबराया नहीं, तो भगवान से जब मुक्ति होगा श्राप में बंध हो गया। भगवान के जब दर्शन कितना भी कष्ट हो, चाहे वृक्ष शरीर में क्यों ना हो, अंत में भगवान के दर्शन हो जाए तो वृक्ष शरीर ही सही। क्योंकि काम में क्रोध में लोभ में स्वर्ग में रह करके कभी भगवान की तरफ नहीं मुड़े, पर श्राप प्राप्त हुआ आज ये नारद के श्राप के कारण के भगवान के दर्शन होने का जो कृपा हो गया वो वृक्ष रूप में आए। भगवान नारद की वाणी को साकार करने के लिए उखल के लेके गए, वहां जाकर के दोनों वृक्षों के बीच में ठीक से फंसाया, फंसा के एक बार देखा पीछे घूम के ठीक है, और फिर बीच में सेंटर में बिल्कुल सेंटर में भगवान होकर के यूं झटका मारा, यूं झटका एक पटक दिया तो दोनों वृक्ष गिर गए। बालकों ने देखा कि ये क्या हो गया, तो इतना बड़ा वृक्ष कन्हैया ने तोड़ दिया, गिरा दिया। वृक्ष के अंदर से चमकले चमकले दो पदार्थ निकले और सुंदर ज्योतिर्मय धूप दान करके दिव्य पुरुष रूप धारण किया और प्रणाम करने लगे। नमो परम कल्याणम, नमो परम मंगलम, नमो परम कल्याणम, नमो परम मंगलम, वासुदेवाय संताय जदुनाम पतये नमो, वाणी गुणानुगतने सवनो कथायम, हस्तौच करमसु मनस्तव पादनयम, स्मित्वा शिरस्तवो निवास जगत प्रणामि, दृष्टि शतां दर्शनेस्तु भगवत्तु नाम। ये दोनों
विश्व शरीर से मुक्त होकर के भगवान को स्तुति करने लगे। ये प्रभु आप ही परम कल्याणकारी देव है, आप साक्षात मंगल स्वरूप है, आप संत मूर्ति जदुराम पते वसुदेव साक्षात वसुदेव है। प्रभु हमारे वाणी अब से और कुछ नहीं, जो हो गया हमारे वाणी आपकी गुणानु कथन में लगे रहे, हमारे कान आपकी कथाओं को श्रवण करे, अस्तुचु कर्मसु हमारे हाथ जो है आपके कर्मों में लगे, मेरे पैर जो है तीर्थों में आपको दर्शन करने जाए, और जो सिर है आपके स्मित्वाम सिरम नई जगत निवास आपको प्रणाम करते रहे। प्रभु बहुत कृपा किया, प्रणाम। चलने लगे, थोड़ी देर जाकर के वापस आके कहा प्रभु आप बांधे पड़े, खोल दूं? भगवान कहते हैं नहीं, जिसने बांधा है उसने खुलेगा, तुम जाओ। चले गए ये लोग, और नंद बाबा भिक्षु की आवाज देखा, कीर्ति हुए, यशोदा को लेके बाहर आए, आकर के देखा दोनों भिक्षु के बीच में पड़ा है, खेल रहा है मलकनाथ, और यशोदा के कहा कि यशोदा ये जरे माखन के कारण तुझको बांध दिए, कल भिक्षु को ऊपर कहता तो क्या होता। लेकिन यशोदा ने कहा कि भिक्षु गिरा कैसे, बालकों ने खेल रहा था, कहा कि बालक बताओ भिक्षु कैसे गिरा। उन्होंने कहा कि मैं बताओ कैसे गिरा। बोले हाँ बताओ, अरे तुम्हारे लाला यहाँ को फंसायो उगल को, और यूँ झटकर मारे पटक दियो। यशोदा ने कहा कि दारी के झूठ बोले, ये ब्रज की मीठी गाली है, दारी के झूठ बोले, अरे इतना बड़ा वृक्ष, अरे बालक मेरा कितना छोटा है, ये कैसे गिरा सके। बालक सच भी कहे, बालक का सच बालक कहने से भी बालकों को कोई विश्वास नहीं करते कि वो बालक है। इस प्रकार से आज मैया बांधे थे पर मैया नहीं खुला, मैंने इस बात को बड़ी ढूंढा ग्रंथ में लिखा हुआ, बाबा ने खुला, मैया तो क्रोध में थे गुस्से में थे, वो बाबा ने खुला, और बाबा ने उनको यशोदा को कहा कि आगे से ऐसा नहीं कर। इस प्रकार से गोद में दिया और भगवान को अंदर नंदालय मिल गया, और जिन्हें फल वाली आए, कोई फल ले रही कोई फल ले रही करते हुए भगवान ने कहा कि मैं सारा दुनिया को फल देता हूँ, मेरा घर में कौन फल लेने आए। देखो सही बाहर जाकर के देखा कि एक फल वाली वो भी ना आए, फल ले रही कह रहे हैं, तो फल भगवान लेने की इच्छा से क्रीणी भोग फलानी थी सुतम सत्यम धन्यम मदाय जजो सर्व फलप्रद फल विक्रियानी तस् चतुष्धन्यम कर द्वयम। धान लेके आए थे हाथ के फाक से, सब धान गिर गए, धन्यम लेके आए चुतम धन्यम कर द्वयम, दोनों हाथ पर से धान गिरते गिरते चार दाना रह गया, और जाके कहते हैं फल वाली फल दे दे। देखा फल वाली ने देख करके इतनी मोहित हो गए, ले किसकी लाल है आज। फल वाले ने उस बालक को देख करके नजदीक कभी नहीं देखा, देखते ही रह गया, किसकी लाल होगा, कितने सुंदर ये बालक, देखते रह गया। बोले देख के आ रही है फल दे, इतना कहते हुए डाल दिया उस टोकरी में धन्य को, और फल दिया, टोकरी में फल अभी भी पड़ा है, तो कहा कि नहीं नहीं सारा फल दे दो, सारा फल दे दिया, ऐसे करके छवि में देखता हूँ ऐसे करके भगवान सारा फल ले लिया, और देखते रहे। इतने में देखते रहते लीला देवी कहते हैं कृपा देवी को, देखो लीला करते करते यहाँ स्टॉप हो गया, लीला बंद हो गया, खड़े हुए लाला के सामने फल वाली देवी मालिन खड़े हुए हैं, बैठे हुए दर्शन कर रहे हैं, लीला नहीं हो रहा है। तो कृपा देवी आज जब कृपा कर दिया फलवाने के ऊपर, लीला देवी कहते हैं हे कृपा अब कृपा हो गया, उसके बाद अब जाओ, अब बहुत लीला बाकी है, और कम से कम 8:30 तो बज रहा है, और जाना पहुंचना है हमको गिरिराज तक, कैसे जाएंगे, फिर पहुंच तो जाना है कैसे भी करके, जाओ हटो। तो लीला हट गए, फल लेके गए, जो फल चले गए और वो टोकरी छवि उठाया, पर ध्यान उस बालक के प्रति है, बोलने लगे कोई फल के जगह बोल रहे हैं कोई सैम ले लो रही, कोई सैम ले लो रही, कोई सैम ले लो। गोपियों ने जब सुना
कि कोई सैन जरूरी बोल रहा है, अरे सैन फल भी कोई होता है क्या? जब बारह करके देखा कि आज ये मालिक के ऊपर भगवान की कृपा हो गया, कन्हैया की कृपा हो गया, ये तो जरूर है आपको शस्त्र कोई फल ले लो भी, कोई फल ले लो भी, कोई फल ले लो कर रहा है, कृपा हो गया। घर गए, घर में टोकरी देखा, हीरा जरत में भर गया टोकरी। प्रेम से बोलो, मैं कई बार बोला हूं तुझे देते नहीं देखा, तुझे मेरा झोली भर दिया। चार दाना दिया था, पत्रम फूलम पुष्पम तयम, और वो उसमें फल ले लिया। पूरा फल प्राप्ति करो, भगवान की अपनी पूरा फल दो, अवश्य तुमको भगवान आपकी इच्छा के अनुसार जरूर प्राप्त होंगे। तब से फल वाली मालिन फल बेचना छोड़ दिया, हीरा जरद लेकर के भजन करने लगे, क्योंकि भगवान के अपने भक्तों को बड़ी प्यारे हैं, ये मालिन के ऊपर कृपा किया। इस प्रकार से सुंदर लीला करते करते एक दिन गुजराज के उपानंद की गोद में बैठा हुआ, तो भगवान की इच्छा हुआ अब यहाँ गोकुल में नहीं रहना है। तो नंदोराज के भाई उपानंद की कहने के, भैया यहाँ तो बड़े बड़े असुर आए हैं, चलो हम इस वृंदावन को छोड़ करके और अन्यत्र यात्रा करें। तो कहाँ यात्रा करें? उपानंद कहने लगे, वनम वृंदावनम नामम प्रसंगम नवकाननम, वनम वृंदावनम नाम प्रसव्यम नवकाननम, गोपगभीरगवांसेभ्यं पुण्याद्रीतिनविरदुकम् प्रजङ्गणाबिन्दस्य वनं जीवनमिति वृन्दावनम् वृन्दयाजो वनमिति वृन्दावनम्। ये कहने लगे यहाँ से बड़ी दूर है, सुंदर वन है नवकाननम्, पशुओं को चराने के लिए हम ग्वालियर के लिए बहुत सुंदर है स्थान, क्योंकि त्रिन आदि बहुत सुंदर वहाँ मिल जाते हैं, चलो वहाँ चलते हैं। प्रजङ्गणाबिन्दस्य वनमिति जीवनम्, जो प्रजङ्गण है ब्रज की ही प्राण है श्री वृंदावन, ब्रज में जो वास करते हैं वो सबकी प्राण है श्री वृंदावन। क्यों? बिंदु है जौवन वृंदावन, सारे दुनिया सुखा हो लेकिन वृंदावन कभी सुखा नहीं। जब भी जाओ माँ की विहार में, गर्मी के दिन में जाओ तो सुंदर फूल बंगला लगा हुआ, सारा दुनिया सुखा है, पता नहीं इतना फूल कहाँ से आते हैं, और फूल बंगला है ना, और हम गा देते हैं फूलों से सज रहे, फूलों से सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में 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 सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है, और साथ सज रही वृषभान की पुकारी, फूलों में सज रहे, फूलों में सज रहे। फूलों से सज रहे वृंदावन बिहारे, और मैंने जोड़ा हूँ कि दर्शन करो सभी बारी बार, आगे बोलो। पीड़ा सम फुट सर पर रखा है किस अदा से, पीड़ा सम फुट सर पर रखा है किस अदा से, दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगर से, करुणा बरस रही है, वृंदावन नाम की बिन मोल बिक गई, बिन मोल बिक गई,
प्यारी उन्होंने सजन रे जन हाथ ऊपर करके भगवान मां के बिहारी को स्वागत किए श्री वृंदावन बिहारी लाल मैया गले बिठा ले जब दोनों मुस्कुराते जब दोनों मुस्कुराते सबको ही प्यार लगते सबको ही मन को भाते सबको ही प्यार लगते सबके मन को भाते इन दोनों प्रेम सज के इन दोनों के बारी दोनों सजन के श्री वृंदावन बिहारी दोनों सजन के श्री राधा रानी की श्रृंगार तेरा प्यारे शोभा कहूं क्या उसकी 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 इन पे गुलाबी पटका उनपे गुलाबी साड़ी उनपे गुलाबी पटका उनपे गुलाबी साड़ी नीलम से सोगे मोगन नीलम से सोगे मोगन एक नंद काग छोरा एक भांग की तुम्हारी फूलों के सजन रे श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी और साथ सजन की और साथ सजन की रस भाव की दुलारी साथ सजन की राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 कभी भी जाए वृंदावन में बसंत की जैसे सुखा नहीं होता क्यों ना हो विश्व ब्रह्मांड के जो मालिक है और मालकिन जो है श्री रामदी राधारानी उनका निजी घर है
परंतु जब इस प्रकार से सबको लेकर के उपानंद ने गए वृंदावन में और यहां पर भी एक असुर आए जिसका नाम बत्सासुर, ये बकासुर है, बत्सासुर है, इन बत्सासुर बकासुर को भी भगवान ने उद्धार किया है। फिर बालक ने रोजाना वन भोजन करने जाते हैं, एक दूसरे के भोजन खाते हैं। एक दिन एक अगासुर नाम करके असुर आए, अगमन पाप पापासुर है, सर्प के रूप में बड़े बैल के रूप में आए, सर्प के रूप में आए। इस प्रकार से अगासुर को भी भगवान मुक्त करे। और रोजाना की तरह ये अपने अपने माता का बना हुआ भोजन खाते हैं, एक दूसरे को झूठा खाते हैं, प्रतिक्रिया निहाती अपनी भोजन अपनी खाए तो उतने आनंद नहीं है, एक दूसरे को खाते हैं, अदला बदली करके खाते हैं। और भगवान कहते हैं, देखो मनसुखा, तेरे मैया का तो बनाना ही नहीं आता, जान बुझ के कहते हैं। इस प्रकार से आपस में बड़ी मजाक करते हैं, झूठा खाते हैं। ब्रह्मा जी आकाश से देखा, ये क्या है, ये ब्रह्म है, परमात्मा है, अभी अभी इतने को मारे उद्धार किया है, ये झूठा खा रहा है, कैसे है ब्रह्मा, ब्रह्म किसी का झूठा खाता है क्या। अरे भगवान को भोग लगाते हैं प्रेम से, बड़ी साचा, अरे तो झूठा खा रहे हैं सब। अरे देखो देखो मधु उम्र के मुख भी चढ़ गया, ओ क्या है, ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया। ब्रह्मा ने सोचा कि मैं आए कुछ परीक्षा करता हूँ। ब्रह्मा जी मोह में आकर के जो बछड़े चढ़ रहा था बछड़ों को लेकर के चलान कर दिया, ब्रह्म लोग ने चलान समझ रहे ना, भेज दिया, इसे गाड़ी पकड़ करके चलान कर देते हैं पुलिस स्टेशन। फिर वन भोजन करने लगे, खाते खाते देखने कहा कि भैया हमारे बछड़े, भगवान कहते बैठो मैं देखता हूँ। जाकर के देखा चारों तरफ गण वन में तक गए, कहीं नहीं दिखाई दिया। एक बार तो भगवान को लगा कि कौन चोरी कर रहा है हमारे, ध्यान लगाया देखा कि हमारे पुत्र चार शेर वाले ब्रह्मा जी हमारे पुत्र है, और वो हमारे पुत्र जो है हमारे ऊपर इस प्रकार से लीला कर दिया है। उसको पता नहीं है, मैं उनका पापा जी जानता हूँ, आज मैं ऐसे लीला करूंगा, ब्रह्मा जी को अच्छे से सबक सिखाऊं। खींचा भगवान ने अपना मुरली, और मुरली खींचा करके मुरली में सुंदर तान खींचा, जिससे वो बालक बछड़े इधर बछड़े लेने गए और बालकों को भी चलान कर दिया। तो भगवान सबको देखते हुए मुरली खजा वर्णन किया, जावत लीला गुण दीक्षिते तावत विहरिगम सर्वम विष्णुमयम गिरयंगम भजम सर्वस्वरूपो विभो। जैसे था ऐसे बना दिया सबको, और ऐसे सब घर गए। वयम स्वयं भगवान इस प्रकार से लाठी चौकी पकड़ी कपड़ा ग्वाल बालक बछड़े सब बन गया। एक साल तक लीला चला, ब्रह्मा जी को लगा क्या हो रहा है, देखो तो सही, जाकर के देखा कोई फर्क नहीं, वैसे कि वैसे ही है। फिर गए अपनी लोग ब्रह्म लोग, देखा उधर सब जमे हैं। अब सोचो एक साल की गाय बछड़े बंद हैं, कोई चारा जल नहीं दिया, वर्णन नहीं है, तो मर जाना चाहिए था ना, लेकिन मरा नहीं कोई, तुम भगवान के आश्रय में जो रहता है, से जीव हो मनुष्य हो कोई भी हो उसका मृत्यु नहीं होता, भगवान रक्षा करते हैं। कि भगवान कहते हैं जी जथाम प्रपद्यम देता ही भजन में, जो जिस प्रकार से मेरे भजन करते हैं उनको सब भजन करके उसको रक्षा करते हैं। ब्रह्मा जी कई बार आए देखा, अपनी गलती स्वीकार कर लिया, आज जाके गए भगवान, तब जाकर के ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बन के बैठे हैं। चौकीदार को कहा कि देखो दोनों में ब्रह्मा जी आ रहा है तो इसको धक्का दे के गेट आउट कर देना, वो दो नंबर ही है। भगवान बन के बैठे अंदर, सेम दाढ़ी, पक्का वाला दाढ़ी, चार्जशीट बैठे,
ब्रह्मा जी गए असली चौकीदार ने यूं कर दिए लकड़ी क्यों कहाँ जा रहे हैं अरे कहाँ जा रहे हैं हमारे ही माल अरे भाई ब्रह्मा हूँ मैं तुम हमारे चौकीदार हैं हाँ जानता हूँ तुम दो नंबर ही हो एक नंबर तो अंदर बैठे हो दो नंबर ही ब्रह्मा को सोचने बात तो हो गए और कहा कि चौकीदार ने कहा कि तुम जाते कि नहीं कि धक्का दो ब्रह्मा जी नीचे आकर के ध्यान किया ब्रह्मलोक में देखा कि प्रभु ने हमारे आसन में बैठे हैं ब्रह्मा बन के बैठे हैं वही ध्यान में प्रभु को प्रणाम किया कहा कि हाँ भैया वही असली है एक नंबर है हम तो दो नंबर ही है प्रभु एक नंबर को मिलने की इच्छा हो रही थोड़ा परमिशन दे दो राजा रुको पूछता हूँ जा करके गए भैया हाँ महाराज वो पूछ रहे हैं कि आपके दर्शन करना चाहते हैं भगवान कहते ठीक है बुला लो तो बुलाने गए ब्रह्मा जी आए अंदर पर वो ब्रह्म का सिंहासन खाली पड़ा हुआ है तब तो भगवान आप प्रत्यक्ष चला गया नहीं दर्शन दिया भगवान ने दर्शन इसीलिए दिया जिसने हमारा लीला में विक्षेप किया है मेरे ग्वाल बालक को बछड़े को चुरा करके यहाँ बंदी बना के रखा है ऐसा व्यक्ति को हम दर्शन नहीं देते नहीं दिया ब्रह्मा जी वहां से भागे फिर आए वृंदावन दिल्ली की रास्ते में चौराहा पड़ता है चौराहा वो ब्रह्मा जी का स्थान है और वहीं पर स्तुति किया ब्रह्मा जी ने नमिट्योति प्रभुसुवे त्रिदम्बम नमिट्योति प्रभुसुवे त्रिदम्बम गुंजावतम सुपरिपिच्छल समत्याय मन्नस्तजे गवरवित्र विशान वेनु लक्ष्मस्त्रियो मिदुपदे पशु जांगाय नमिट्येत प्रजोगो तलमिद्दाय ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार में प्रभु जानने के जब कोई यदि कोई वस्तु है यदि कोई है केवल आप ही है जिसने आपको जान लिया फिर उसे और किसी दूसरे को जानने की आवश्यकता नहीं ब्रह्मा जी कहते 40 श्लोक में स्तुति किया श्रेयम स्तुतिम भक्ति मुदा मते विभो क्लश्यन्ति जे केवल लब्धौ बोध लब्धये तेषाम असो क्लश्य एव शिष्यते नन्यद यथा स्थूलम तुषार धातिना ब्रह्मा जी कहते हैं जो आपकी भक्ति छोड़ करके प्रभु आपकी भक्ति को उपेक्षा करके केवल ज्ञान के पीछे भागता है ऐसे व्यक्ति के पढ़ने केवल श्रामी मिलता है कुछ नहीं मिलता जैसे भूसा कूटने के बाद कोई मन में सोचे हैं इससे थोड़ी और अन्न प्राप्त होगा जैसे वहां अन्न प्राप्त नहीं होता भूसा से कभी चावल नहीं निकल सकता क्योंकि चावल तो पहले चावल निकल चुके हैं भूसा ही मिलेगा उसी प्रकार प्रभु आपको छोड़ करके जो इस प्रकार भक्ति करे वो भूसा की प्राप्ति के समान प्रेम से बोलो ब्रह्मा ने बहुत सुंदर प्रार्थना किया प्रभु मैं आपकी पेट की बच्चा हूं और मान लीजिए आपकी गोद में हम अनजान में उत्पिक्षम गर्भस्थ पदयो किं कल्पते माधुर अदक्षज जगा में किमस्ति मस्ति पिशयम भुजितम तवादि कुक्षे कियत तप्यनम माता के गर्भ में बालक कभी हिलता है माता के गर्भ में जब बालक हाथ पैर हिलाते माता को बड़ी कष्ट होता है क्या माता वो बालक जब बाहर आ जाते हैं पुत्र बनके तो कभी सोचता है क्या कि तू मेरा पेट के अंदर बहुत गड़बड़ी किया मुझे कष्ट दिया और तू बाहर आकर तेरे को पिटाई करूंगा कहते हैं क्या जैसे माता नहीं कहते मैं आपकी पेट की बालक हूँ प्रभु मुझे गलती हो गई तो आप माफ कर दीजिए खंतुम इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने 40 श्लोक में सुंदर प्रभु प्रार्थना किया परंतु भगवान टस से मस नहीं हुआ और चुप करके देखा ब्रह्मा जी को लगा कि ये तो सुनने वाला नहीं कहां तो मैं प्रार्थना करूं हम इतना स्तुति करते हैं चारों वेद खोल गए शाम जोधू अतर पाठ करते सुनता नहीं और गौरिया के घर में जाके मक्खन में मचिन में हंसते ये सुनेगा नहीं इसीलिए तीन परिक्रमा किया और एक मनी मन परिक्रमा करके त्रिकम्म परिक्रमा कर चले गए इस प्रकार से चले गए ब्रह्मा जी के छोड़ करके इधर ब्रह्मा जी का जाने के बाद सुंदर वर्णन कर रहे हैं ततश्च पौगंड्य स्थितो व्रजे भवभूवो पशुपाल समन्तोगश्चरन्तं सखिभिः समोपदे वृंदावनम पुण्यम अतिवो चक्रुषु 5.5 वर्ष की आयु तक भगवान का हो गया
आज भगवान ने सोचा कि ये बछड़े चढ़ाते चढ़ा के हम बड़े हो गया, अब कल से बछड़े चढ़ाना नहीं है। क्या किया भगवान ने, माँ ने अघोटा ले आए, कहा कि मैया आज मैं अघोटा नहीं पीऊंगो। क्यों लाल, क्या बात है, हम बड़े हो गए हैं। अच्छा लाल, बड़े हो गए तो हम कहाँ करें। तो मैया मैया हम तो गाय चराने को जाए, गाय चरने जाऊंगा। मैया ने कहा कि देखो गुआरी का छोरा हो, गाय बछड़ी तो चोराओगे लेकिन ऐसा नहीं जाओगे, मुंह तो निकला जाएगा और तब तुम जाओगे। और बाबा से पूछो आज अभी सो जाओ और थोड़ा पी लो, सुबेरे सुबेरे बात होगा। मैया के बाद में आए, स्वीकार कर लिया भगवान ने और उधर पी कर सो गए। सुबेरे हुआ, दौड़े बाबा के पास, बाबा बाबा हम बड़े है गए हैं। नंद बाबा कहते अच्छा बाबा बड़े है गए हैं तो हम कहा करें। तो बाबा बाबा हम अभी बड़े हो गए हैं, हम अभी बछड़े चढ़ने को नहीं जाएंगे, हम तो अभी गाय चराने को जाएंगे। नंद बाबा ने कहा कि देखो पंडित जी को बुलाना है, पंडित जी से बुला के मुहूर्त तो निकलना है, तो गाय चराने जाओगे। लाला कहा कि ठीक है बाबा, मैं अभी पंडित जी को पकड़ कर ले आता हूँ। सीधे भागे पंडित जी के घर, पंडित जी को जाके कहा कि पंडित जी जानते हो ना मैं कौन। हाँ प्रभु जी जानते हो ना, आप तो सब जानते हैं। अब कौन नहीं बोले, इसीलिए बाबा देंगे 1 रुपया 25 पैसा, 100 रुपया और हम देंगे पूरा 5 रुपया। ठीक है, आज ही मुहूर्त निकाल देना है। जो होगा महाराज आ गए बाबा के पास और कहा पंडितों ने कि बबा बाबा याकू तो 10 साल कोई मूर्त नहीं है। बाबा तो खुश हो गया बहुत, तो 10 साल बड़ा मूर्त नहीं तो कोई चढ़ने नहीं जा पाएगा, बड़ा हो जाएगा 5.5 और 10 15.5 साल बाद का जवान हो जाएगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाबा एक बात है, बोले कहा बात है, पर एक बात है कि ये आज को ही दिन थोड़ा सा है, आज कर लो तो कर लो, से बोलो। आज इस प्रकार से भगवान ने जब निकाल लुआ, कहा कि बाबा आज ही गुरु गाय चराने के जाएंगे, बछड़े चढ़ने नहीं जाएंगे। नंद बाबा ने कहा कि लाल तुम इतने छोटे हो नहीं जाएगा, पंडित जी फिर बुला ले जाएंगे, पैसा दे के जा दो। पैसा दे दिया, पंडित जी चला गया। आप कन्हैया रोने लगे, कहा कि नहीं बाबा आपने पंडित जी को बुला लिया, मूर्त भी निकल लिया, अब मुझे जाना है। और उधर गाय भी गौशाला से नहीं निकल रहा है, हम हम्बा रंबा करके सब गौ गौशाला के अंदर घूम रहे हैं, डंडा मार रहे हैं ग्वाल लेकिन निकल नहीं रहा है। सब ग्वाल वाला गा करके नंदो कहने लगे बाबा ये पता नहीं गाय को क्या हो गया, बछड़े को क्या हो गया, बैल को क्या, और कोई निकल नहीं रहा है। एक कना के थोड़ा बोलो मुरली बजा दे और मुरली के सब गए बाहर आ जाए तो कहना ये क्या कह रहे हैं। बोले हाँ बाबा ये सब इच्छा है, भगवान की इच्छा से हो रहा है। कहा कि एक मुर्गे थोड़ा बजा दो और सब गाड़ियां बाहर आ जाए, गाय सब बाहर आ जाए। भगवान गए अपने घर से बाहर, चबूतर में खड़ा हो गए, त्रिभुवन मूर्ति में मुरली को धारण किया और एक एक गाय का नाम लेकर के, एक एक गाय का नाम लेकर के, धूरी धूम्र आदि आदि नाम लेकर के, सब कपिला आदि आदि नाम से लेकर के बुला रहे हैं। और सब गाय आकर के भगवान के चारों तरफ गोलमंडलों के घूमने लगे। कोई आकर के भगवान के पीताम्बरी दास से खींचने लगे, कोई आकर के भगवान के चरण को चढ़ने लगे, कोई आकर के दूर से देखने लगे, कोई अपने दांत में घास खड़ लगा था वो देख करके वो ही रह गए, ऐसे देख रहा है। ऐसे देख करके नंद बाबा ने देखा कि मेरे बालक से गौओं का इतना प्रेम है, ये लाल तुम आज ही जाओगे, आज ही गोचर में जाओ। बस उसी समय सुंदर वर्णन हो गया, और क्या ब्रजवासी ने सुंदर गोचरण के लिए तैयार हो गया और तब से भगवान गोचरण करने लगे। प्रेम से बोलो हरे कृष्ण। एक वो कार्तिक की महीना शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि की गोपाष्टमी है, जिसमें सारे विश्व की माता है गौ, गावो विश्व से माता, परंतु आज कहने को बद्ध होते हैं कि गांव में कुछ एक गौ को देखते हैं, पर इतनी जल्लाद लोगों ने आ गए माता को, जहां देखे उठा के ले जाते हैं और काट देते हैं।
कई गाय तो बाहर घूमते हैं, देखते हैं कुछ जल्लाद लोग, समझ रहे ना, वो आपके माता को काट जाते हैं। जिस देश में, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में माता को हत्या होता है, कत्ल होता है, वो देश, वो समाज, राष्ट्र क्या शांति में रह सकता है? आप सोचो, अपने घर में माता को कत्ल करके आप शांति में रह सकते हो? तो आप नहीं रह सकते। गौ माता तो सारा विश्व की माता है और सारे देवताओं का स्थान है और देवता उसमें वास करते हैं। इसलिए बड़ी अधर्म हो रहा है और ये अधर्म को रोकने के लिए सबको प्रयास है। एक गाय पालने के मन के संकल्प करे तो उसका बड़ी ही कृपा प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण से मैं निवेदन करूंगा, व्यासगति से, हो सके तो गाय पालन करे, ना हो सके तो जो पालन कर रहे हैं गौशाला आदि में जाकर के जितनी संभव हो गौ सेवा की मदद करे। तो आपकी भक्ति से जो भी कर रहे हो उससे भी बड़ा आपको मदद मिलेगा भक्ति मार्ग में चलने के लिए, क्योंकि स्वयं भगवान गौ माता का सेवा किया है। आप इतना तो कम से कम कर सकते हैं, भले गौ पालन ना कर सके लेकिन गौशाला जहाँ है वहाँ जाए, एक दिन की चारा दे दो, एक महीने की चारा दे दो, एक साल की चारा दे दो, इस प्रकार से सेवा करेंगे वो भी बड़े कृपा में। प्रेम से बोलो एवं वृंदावनम श्रीमतम कृष्ण विद्वान आभूषण। इस प्रकार से भगवान वृंदावन में सुंदर लीला कर रहे हैं। अन्य दिन में एक धनुकासुर को भगवान उद्धार किया, एक गंधर्व गधा के रूप में आए और उस तार के वृक्ष से निकल के आए और तार के वृक्ष से भगवान ने बलराव के द्वारा उसका उद्धार किया। और दिन जमुना के किनारे में खेलते खेलते देखा कि बिलोक को दूषितम कृष्ण कृष्ण कृष्णा ही बिलोक, या काले जमुना में कालिंदी मेरा है, प्रेम गली या तो सागरी या में दो नहीं समाए, प्रेम गली अति सागरी या में दो न समाए, एक म्यान में दो तलवार जैसे नहीं रह सकता है, मैं कृष्ण मेरे कृष्ण कालिंदी ये कालिया कैसे आ गया। कालिया को निकालना है, इसीलिए भगवान ने गेंद को निमित्त बना करके जल में फेंका। सभी ने कहा कि भैया यहाँ में नहीं जा, यहाँ में तो काली दाह है, ये काली दाह में काली नाग रहते हैं। सब लोग मना किया लेकिन भगवान कहते मैं तो उन्हीं के घर में जा रहा हूँ। सीधा गए, जा करके काली के अंदर पहुंच गए। उस समय काली नाग सो रहे थे, नागिन सब कहने लगे कौन दिशा पे आयो रे बालक, कहाँ तुम्हारा नाम है, कौन सखी पुत्र जो कहियो, कहाँ तुम्हारा गांव है। प्रभु नागिन से कहते हैं कि नागिन पूर्व दिशा से आयो रे नागिन, कृष्ण हमारो नाम है और मात जसोदा पिता नंद जो गोकुल हमारो गांव है। नागिन सब कहने लगे तो यहाँ कूदे क्यों, क्या कोई झगड़ा हो गया, कि आपने पति से झगड़ा हो गया, बैर हो गया, इसीलिए झगड़ा संभालने के लिए पति से मरने के लिए आए, कुछ कुछ बड़े यहाँ ये बालक, क्या कारण है बताओ, कि रास्ता भूल गए। ना 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 मीन में जगर भूलो गगन भूलो, न ना घर नार सैया, ना मेरे मन में क्रोध बजो, ना बैरिन भरमाइया। तो बालक बताओ आप जो ना में कूदे क्यों, किस कारण से कूदे बताओ, तुमको पता नहीं, यहाँ एक बार जो खुद जाते हैं वो वापस नहीं जाते हैं, आश्चर्य की बात है तुम अभी तक जिंदा कैसे हैं। जो हो सो हो बालक, ले बालक लो गलक, हार माला सवा लाख की बोरियां, इतना ले जाओ रे बालक नाग के कहो मैं चोरिया, मैं कह दू ये लेके चले जाओ यार, नाग जग जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान कहते ना चाहिए गल हार माला सवा लाख की बोरिया, इधर हार भी नहीं चाहिए बोरिया भी नहीं चाहिए, मालूम नागिन क्यों मैं आया हूँ यहाँ, क्यों आए, ये माध जसोदा तो ही पिलोगे तेरे नाग की करूं मैं डोरिया। अपने पति की निंदा सुनकर के नागिन ने कहा कि इतना बड़ा अपमान, हमारा छोटा बालक है ये हमारे पति का निंदा कर रहे हैं, ये सब नागिन सब नाग को जगाने लगे। पैर चुम्मे भुजा मरड़े नागिन नाग जगाइया, उठ उठ बलवंत जो नाग बालक नाथ नहीं आईया। नाग को जगाया, फुफार करके नाग जग गए और जग करके एकदम फोन उठा दिया और कन्हैया को मुझ से पकड़ लिया। भगवान अपने शरीर को बढ़ाने लगे, शरीर बढ़ने लगे, नाग नाग के शरीर को टस टस करके
तोड़ने लगे, अपने शरीर टूट जाने लगे, भगवान बाहर आ गए, एक छलांग लगाए नाक के ऊपर चढ़ गए और नृत्य करने लगे। तंडव गति मुंड पर, तंडव गति मुंडन पर नाचत श्री हरि, सुंदर नृत्य करने लगे, देवता सब पुष्प वृष्टि करने लगे। इधर नाद ने देखा कि ये आंख से कान से खून बह रहा है, ऐसी थोड़ी देर चलते रहे तो हमारा पति का सत्यानाश हो जाएगा, गोविंद नाम हो जाएगा। ये नागिन सब प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे। नायमि दंड कृतकल विश्व विश्वम तव अवतारम कल निग्राह रिपुसुतानाम उपि तुल्य दृष्टि दस्येदमं फलमे मनुकं पुषाणम ननाक पृष्ठम न सार्वभौमम न परमेष्टम न अनुसाधिपत्यम नोजोस सिद्धि पुनर्भवम वा वंशति जलपाद रजो भवन्यो। ये नागिन सब प्रार्थना करने लगे, ये प्रभु आपने नाग जाति को बनाया है, पर हमने अपने पति बनाया नाग को, अरे पति चले जाए पत्नी का क्या दशा होगा प्रभु, इसीलिए वंशति जल पदार्थ स्वयं प्रपन्नम हम आपके शरण में हैं, आप आपकी चरण रज मुझे दीजिए। जल में क्या चरण रज प्राप्त होता है क्या, असंभव। भगवान ने सोचा कि ये तो बुद्धिमती बहुत है, तो भगवान ने अपनी नाथन बंद करके नीचे आए। जब नीचे आए नाग फिर फोन क्यों कर दिया नागे कालीनाथ, भगवान कहते देखो तुम प्रार्थना कर रही हो, तुम्हारे पति कैसे अकड़ अकड़ देखो इसका। हम लोग भी देखते ना कहीं इतना सुनने सुनाने के बाद में भी विनम्रता नहीं आते, अकड़ापन जाता नहीं, कुत्ता की पूछ की तरह वो टेढ़ा ही रह जाता है। उसी प्रकार से नाग खड़े हो गए और नाग कहते हैं प्रभु एक बात है, क्या बात है बोलो। वयम खलास भत्या तमुषा दीर्घमानवा स्वावधस्तज्जनाथ लोकानम सद्गम। आपने बनाया दुनिया को, आपने बनाया बोले हाँ, इस दुनिया के जीव को किसने बनाया बोले हमने, इस दुनिया में जो नाग बनाया वो किसने बनाया बोले हमने, और नाग के अंदर जहर जो दांत में दिया मुख में जहर दिया वो किसने दिया बोले वो भी हमने। बस महाराज हो गया, जहर ही आपने दिया हमको तो हम अब आए तो हम आपको तो हम जहर ही देंगे ना, अगर आप हमें जहर की जगह हमें अमृत देते तो आज सबके गले में हम हार होके घूमते, सब गले की हार सोने ना रख के हमको ही रखते, क्योंकि हम अमृत मुखी होते, पर जहर डाल दिया अपने मुंह में, जहां देखो सर पर डंडा लेके पीछे पड़ गया हमारे। इसीलिए आप प्रभु बुरा मत करे, क्षमा कीजिए, आपके ठीक है ना, क्षमा कर दिए जाओ और रमणक द्वीप को चले जाओ, रमणक द्वीप को नाग को भेज दिया। इस प्रकार से भगवान नाग के नथाई करके ऊपर आए और सभी लोग देखा कि शाम हो गया, रात को ही सब सो गए, रात्रि में दवाग्नि लग गए, चारों तरफ आग देखकर सब भयभीत हो गए। भगवान कहते सब आग बंद करो, सब आग बंद कराया और भगवान अग्नि को सम्मान दिया, अपने मुंह में धारण किया, अग्नि को निकल गए। राम अवतार में जिस समय सीता माता को भगवान ने अग्नि के पास गिरवी रख के लंका की तरह धावा किया, अग्नि को बोला था कि अग्नि कभी समय आएंगे तो मैं अवश्य तुम्हारी सम्मान करूंगा। आज कृष्ण अवतार में भगवान राम की याद करते हुए भगवान श्री कृष्ण उस अग्नि को सम्मान किया। प्रेम से बोलो और इस प्रकार से वन भजन सुंदर होते हुए एक दिन जब वन भजन करते हुए सुंदर आए भगवान, जाकर के सुंदर देखा कि पकवान बन रहा है, मिष्ठान्न बन रहा है, मिठाई परमपनी बोल रहा है, सब बन रहा है, तो सुन करके देख करके मैया को पास गा के मैया मैया एक कहा हो रहे हैं, मैं कहा कि दूर दूर दूर, लड़का के मुंह मैया के पास गए, मैया से बाबा के पास गए, कहा बाबा बाबा आज मैया तो एक एक मिठाई चखने की नहीं दिया, कौन को बुझा है। आज बाबा बता रहे हैं परिजन भगवान इंद्र मेघस्तम आत्मनोमुतये तेय विवश्यन्ति भूतानां प्राणी नाम जीवन उपयोग। लाल हमारे ईश्वर जो है इंद्र हमारे देव है भगवान है, वो वर्षा करते हैं और प्राणी उससे जीवन धारण करते हैं, अन्न धारण करते हैं, दुग्ध प्राप्त करते हैं, जीवाकुल को होते हैं। भगवान कहते हैं देखो बाबा कर्म न जायते जंतु कर्म एव विधीयते सुखम दुखम वयम केवम
कर्मई वे कर्मा नहीं वा अभिपद्यते। भगवान कहते हैं कि सुख और दुख इंद्र नहीं देते हैं पिता, बाबा ये जीव की सुख दुख अपनी कर्मों से ही प्राप्त होता है। कर्म एव गुरुश्वर, हर व्यक्ति का कर्म ही प्रधान है, कर्म छोड़कर के कुछ नहीं। कर्म विश्व करी चाखा, कर्म प्रधान करे विश्व करी चाखा, जैसे करे तैसे फल चाखा, उसको उसी प्रकार से चखना पड़ता है। आज भगवान स्वयं इंद्र की पूजा बंद करके गिरिराज की पूजा करना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि देखो मैं तुम्हारी बात मान लिया, किंतु ये ब्रजवासी कितने जन्म से कितने समय से पूजा करके आ रहा है इंद्र का, ये सब नहीं मानेंगे। बोले बुलाइए सबको, मैं आज सबको भाषण देता हूँ। सब ब्रजवासी आए, कहा कि हाँ भैया आज हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। बोले वो कैसे है जाए? बोले ऐसे है जाए कि हमारे भगवान जो है गिरिराज है, इंद्र नहीं है। बोले वो कैसे है जाए? इंद्र हमको प्रसाद देते हैं, बिष्टि होता है, फल होता है, फसल होता है। तो देखो तुमने कभी इंद्र को देखा है? पर देखा तो नहीं, वर्षा होता ही देखा है, लेकिन साक्षात देखा नहीं। बोले तुम साक्षात गिरिराज को दर्शन करोगे? बोले हाँ, भगवान के दर्शन करना कोई नहीं चाहते हैं। अरे भैया हम तो ब्रजवासी है, ठाकुर के दर्शन ही हमारा जीवन है, दर्शन से बढ़कर तो हमारा कोई प्रसाद ही नहीं, हमको तो दर्शन प्रसाद ही चाहिए भैया। तो देखो दर्शन करा दो। बोले हाँ दर्शन करा दो, लेकिन इंद्र पूजा बंद करना होगा। भगवान कहते हैं बंद करना होगा। कि ब्रजवासी कहा देखो कल इंद्र की पूजा बंद कर दिया, क्या तुम्हारे गिरिराज में इतनी ताकत है कि इंद्र का मुकाबला कर सकता है? बोले बिल्कुल, निर्भय हो जाओ। फिर कहा कि देखो हम गरीब ब्रजवासी है, हम रूखा सूखा जो भी हमारे प्रसाद है, भोजन है, जो हम इंद्र को चढ़ाने आए थे वो ये चढ़ा देंगे, लेकिन वो आपका स्वीकार करेंगे? बोले अवश्य करेंगे। तो दर्शन और इंद्र से रक्षा करने का शक्ति और प्रसाद तीन शर्त हो गया। बोले चलो फिर इंद्र के पूजा बंद, सब चलो ज्योतिपुरा, और सब सामान लेकर के अपने अपनी टोली में गाड़ी में डाला और चलने लगे, चलिए ज्योतिपुर। मैं तो गोवर्धन, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरी वीर, नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरी वीर, नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरी वीर, नहीं माने मेरे मनवा। अरे नहीं माने मेरे मनवा, अरे नहीं माने प्यारो मनवा। अरे नहीं माने मेरे मनवा, अरे मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरे मनवा। गिरी गोवर्धन महाराज की जय हो। की गए पर कम्मा, सात कोस 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 की गए पर कम्मा। शिव गंगा नाम मेरे वीर, नाय माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरे मनवा।
शेर की करूं कन्हैया, सात 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 शेर की करूं कन्हैया। संतन न्योत जीवाऊं मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा, मैं तो गोबर धन पूजाऊं मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा, मैं तो गोबर धन पूजाऊं मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा। श्री गिरिराज महाराज ने सब बोल दिया ज्योतिपुरा में, आज भोग लगा रहे हैं, काका भोग लगा रहे हैं। सुनो खुरचन है खीर मोहन खीरसा और खुर में खीर, कुछ तो लगे है ना, आगे खुरचन है खीर मोहन खीरसा और खुर में खीर, खजला जलेबी कलकंद बालूशाही है, मोहन थार मेवा बाटी मटकी महासुरपाक, एक रसगुल्ला संवर बड़ी स्वाई है, भुजिया नमकीन मैं देख रहा हूँ आएगी नहीं, भुजिया नमकीन सेब गठिया सकल पारे, पापड़ समोसा भुजिया पकौड़ा बनाई है, मधुर श्याम बाबा नंद जसोदा लेकर सब आए हैं, अरे सब लाते ला करके आज दे रहे हैं। तो नहीं कहा कि ऐसा नहीं लगे वो, तो कैसे लगा, थार थार के, थार थार के डाल दो, थार थार के फेंक रहे हैं अंदर गुफा में, और आवाज आ रहा है आ ना और लाओ और लाओ और लाओ। भगवान ने कहा कि देखो सुनाई दे रहा आवाज, भगवान आवाज लगा रहे हैं और लाओ बोल रहे हैं, जितना है सब डाल दो। अरे अच्छा कन्हैया तेरा भगवान तो इतना बड़ा मुंह खोल के रहा है, इतना खाए रहे हैं, एक रूप में भगवान अंदर प्रवेश किया और एक रूप में पंडित जी बनकर के पूजा में लगे हैं, और सुंदर भोग लगाया आरती किया और आरती करके परिक्रमा करके अपने अपने घर को चले गए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। उधर जो गए जाकर के देखा घर में क्या देखा इंद्र ने कि हमारा आज पूजा भयो नहीं है, पूजा नहीं किया मेरा, गण को भेजा जाओ देखो क्या बात है क्यों पूजा नहीं हुआ। गण ने आके पता किया वो नंद के छोरा पूजा बंद करके अपने पूजा करानी। इंद्र बड़ी कुपित हुआ, बाचालम बालिशम स्तब्धम मज्ञ पंडित मानिना कृष्णम मत्यम उपमसित्यम गोपम में चक्र सप्रिय, बहुत गालियां भोगने लगे इंद्र ने। और गणन तब सामान तक मेघ को आदेश दिया, गणन समांत कम नाम मेघानम चंत कारिणम इंद्रो प्रचोदयात कृत्य वाक्यम सूचनय मनुष्यात, या करके बड़ा बादल रूप धारण करके बड़े वर्षा करने लगे, इतनी वर्षा का हवा वर्षा लगे। गोपा गोपस्य सीतास्य गोविंद शरणम जजो सब भागे नंद बाबा के घर की तरफ, कृष्ण कृष्ण महाभागवत नातम गोकुलम प्रभु, हे प्रभु रक्षा करो, हे कृष्ण रक्षा करो, शिला वृष्टि हो रहा है वर्षा नहीं, शिला वर्षण निपात ने अन्न मानतम मोचताम निरीक्षम भगवान मेने कुपित इंद्र कृतम हरि, ये इंद्र का एक कार्तव्य देख करके ये वर्षा नहीं ब्रजवासी को जन नाश करने के लिए। सोचो एक बात को, जिस इंद्र को ब्रजवासियों ने इतने समय से पूजा करके आ रहा है, एक बार पूजा बंद कर दिया तो जान से मारने के लिए पत्थर गिरा रहा है, बारिश नहीं है बड़े बड़े पानी की सिल्ली गिरा रहा है। भगवान ने सबको बोला है चलो, जिनको भोग किया पूजा किया प्रचार किया जिनको पूजा किया उनके पास चलो, सबको ले आए लेकर के तस्मान चरणम गोष्ठम प्रमाथम मत परिग्रहम गोपाय स्वात्मन जोगेन सेयम से व्रतम आहित इतत्व हस्ते न कृत्वा गोवर्धना शरणम, ऐसा सोच करके भगवान कहा कि सब प्रणाम करो, जब सबको प्रणाम किया उसी समय दधारो मिलाए फिर छत्र कमम बालक, ये बालक छकुर
कुकुरमुक्त छाता को उठा लेते हैं इसी वक्त भगवान का लिए बोले गिरिराज धारण की जय हो। भगवान गिरिराज को धारण किया और सबको कहा कि आ जाओ अंदर, सब अंदर आ जाओ, सबको बुलाए, सब अंदर आ गया और उधर भगवान सुदर्शन को ऊपर लगा दिया। जिस दिन पत्थर गिरे सुदर्शन ने, सुदर्शन बड़ा होकर के चारों तरफ 84 लाख बड़े हो गया, पूरा ब्रजमंडल चक्र घूम रहा है ऊपर और पानी अंदर ना आए। शेष को लगा दिया, भैया शेष मेरे बन जा, नीचे शेष ऊपर सुदर्शन। इंद्र ने बहुत प्रयास किया लेकिन एक बूंद भी पानी नहीं जा पाया। इंद्र का क्या ताकत, क्या सामर्थ्य है। 7 दिन 7 रात इस प्रकार से रहा भगवान के साथ। सभी लोगों ने जो इस प्रकार से देखे, बीच में यशोदा मैया ने कहा कि देखो मेरे बापू कब से उठा के रखा है, तो तुम लोग थोड़ा सा मदद करो ना, तो मदद करो ना। तो सब ग्वाल बालों को अपना अपनी लाठी टेक दिया और कहा कि कन्हैया देख तेरा मैया बोला लाग दिया, अब तू थोड़ा आराम कर ले, हम लोग हैं ना। तो भगवान कहा कि अच्छा हमारे छोड़कर तुम संभाल सकते हो। बोले क्या समझते हो हमको, हाँ हम थोड़े की कौन थोड़े। और कहा कि नीचे थोड़ा किया भगवान हाथ, तो सारा लाठी चर 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 मर मर करके टूट गए। सब देखने लगे भगवान को, एक छोरा छोटा सा और इतनी बड़ी पत्थर उठा के रखा। सब लोग का संदेह होने लगे ये नंदबाबा के छोरा तो नहीं है, कुछ भी हो जाए नंदबाबा के छोरा तो नहीं है, ये कुछ और है, कोई बड़ा देव होगा। पर किसी को बोल नहीं रहा, एक दूसरे में देखा मुँह दिखने लगे। और ऐसे देखते देखते 7 दिन भगवान कृष्ण के साथ गाय बजरे बालकनाथ सब होके रहा, बालकनाथ होके रहा, बालक के नाथ होकर रहा। और 7वां दिन हुआ जब भगवान शैलम स्थापनम पुनर्वत्व पश्यताम सर्वभूतानं स्थापयामाश नीलाय। 7 दिन हो गया, वर्षा बंद हो गया, वृष्टि बंद हो गया, शिला गिरना बंद हो गए। तो सबको कहा कि बाहर निकलो, सबको बाहर निकाल दिया और कहा कि बाहर निकलो। सब बाहर आ गए, सब बाहर आकर के सब घर चले गए। घर आके देखा ना बारिश है ना वर्षा है, ना मटका भरा, ना बर्तन कोई भोरा, ना अपने छोर भीजा, कुछ भी भीजा नहीं। सबको और संदेह हो गया, क्या करके ये बारिश भयो तो भयो कहाँ गए। सब आके नंद बाबा के हाथ कहने लगे, नंद बाबा छोरा कहाँ है, छोरा कहाँ है। नंद बाबा कहते काय को, कहते वो छोरा तुम्हारा नहीं है, बताओ छोरा कहाँ है। तो छोरा मेरा नहीं तो अकाओ को है, ऐसे कहने लगे। तो नंद बाबा कहते हैं कन्हैया बाहर अंदर आ। तो कन्हैया को बाहर आए, भगवान बाहर आए, आप कहते या क्या कर रहे, देख सब प्रणाम करने लगे कन्हैया को। कन्हैया काके काय को प्रणाम कर रहे भैया, कहते तू तो साक्षात भगवान है, तू इतनी बड़ी पाठी उठाए और अब तक जितनी लीला किया है कोई सामान्य व्यक्ति का काम नहीं है, तू साक्षात भगवान है। देखो इस प्रकार से भगवत्ता का निवान के लिए भगवान कहने, देखो तुम फिर हमारा पीछे पड़ गया भगवान का, हम भगवान नहीं है। हमारे गुरु जी एक मंत्र दिया था मुझे, वो मंत्र पाठ करके हम जिसको देखो ना वो या को ताकत मुझ भी आ जाए। हम मंत्र किया वो ताकत हमारे भी आ गए, वो ताकत से मैंने तो गिरिराज को उठाया लेकिन मैं भगवान नहीं। ऐसे ऐसे तर्क दे भगवान को। और सुना देखो वास्तव में सुनो क्या बात बताऊ, कुछ माखन को बल पड़ो कुछ गोपन करे सहाय। और तुम लोग जो लाठी जो टेक लिया था ना उसका भी तो कुछ मदद हुआ ना, इसीलिए कुछ माखन को बल पड़ो कुछ गोपन करे सहाय। श्री राधे जी को कृपा पर मैंने गिरी पर लिए उठाए। जय हो राधे जी को बुलाने, भगवान ने राधे जी को बुलाने कहा कि तुम्हारी लाठी और माखन की बल सबसे मनसुख का कहते हैं अच्छा, तो अब तो सब माखन चुरायो लेकिन अब भी तुम हमारी बल भी चुराने लगे, ताकत भी चुराने लगे। इस प्रकार से भगवान ने माखन बछड़े लकड़ी ब्रजवासियों को इस इंद्र की कोप से मुक्त करा करके सब आशीष दिया। इसीलिए कृष्णम बंदे जगत गुरु, अन जगत गुरु को कृष्ण को सबको ही कृष्ण का आराधना करना चाहिए। ब्रह्म परमात्मा जितने भी संसार में और नाम से हैं, पर कृष्णस्तु भगवान स्वयं उन कृष्ण का सब आराध्य। और कृष्ण का आराध्य कौन है वो मैं कल बताऊंगा। कृष्ण का आराध्य है यार, कृष्ण जिसकी आराधना करते हैं
वह कल जो सुनने आएंगे हो सके तो कल न तो परसों अवश्य सुनाई देंगे। इंतजार करना पड़ेगा ना पड़ेगा। आज यहीं पर वाणी को विराम। सुंदर भगवान ने इस प्रकार से गिरिराज उठा करके सुंदर वर्णन करते गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज निवेदन है सबसे प्रभु आरती छोड़ के कोई ना जाए तथा सुने अपनी तरफ से पांच मिनट की अवधि है। आप आरती छोड़ के जाएंगे तो व्यास गति से जो आशीर्वाद मिलने वाला है वो मिलेगा नहीं और आपको शांति भी नहीं मिलेगा। घर जाके अशांति में शांति सब लोग जाइए आरती करके जाइए कोई दिक्कत नहीं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज दुबे पान चढ़े दुबे फूल चढ़े दुबे पान चढ़े दुबे फूल चढ़े दुबे पान चढ़े दुबे फूल चढ़े दुबे पान चढ़े फूल चढ़े दुबे चढ़े दूध की मांग कथा बड़ी दिव्य कथा है और कल की कथा जो सुन लिया मान लीजिए वो आधा से ज्यादा कथा कल ही सुन लेंगे और कल की कथा बड़ी मार्मिक होगा। कल रुक्मिणी विवाह का मंगल कथा है सब समय पर आइए उधर संवाद भी होगा और बहुत ही आनंद के साथ साथ में आपको तो आनंद मिलेंगे तो कल की कथा के लिए समय पर सुबह आइए। हरे कृष्ण सोनोटेक कैसेट।